पहले उसको जो पंखा है ना उसको साइड पे रख दो, उसके सामने से जो बिना पूर्ण क्रॉस कर वो इसलिए गया वो आवाज आ रही पीछे पंख से कल ही इसलिए कहते ये प्यास के वो कौन है और ये भगवान के ये सत्यावेश अवतार है। भगवान स्वयं ये प्यास रूप में आए। बोले प्यास का मतलब क्या होता है? बोले प्यास का मतलब होता है विस्तार करना। जो भगवान की भक्ति को भगवान की कथा को जो जगत में विस्तार करते हैं इसलिए उनका नाम बड़ा प्यास है। इसलिए एक समय श्री पराशर ऋषि श्री यमुना पार करते हुए एक दूसरे पार में आए थे। जब वो वापस जा रहे थे हो गया शाम। पहले तिब्बत लोग वो यमुना किनारा नहीं रहा करते थे, जब कोई आता था उसको वो पार करा लेते थे। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस। इसलिए अभी केवट दिन भर लोग को पार करते करते अभी थक गया था। इसलिए उनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी सत्यवती। बोले ये सत्यवती का जन्म कहाँ से हुई? बोले इसका पहला नाम था मत्स्य गंधा। ये मछली के पेट से इसने जन्म हुई। बोले भैया मछली की पेट से नहीं लड़की जन्म लेती है, मछली की गर्भ से इसकी जन्म कैसे हुई? बोले किसी ऋषि की अभिशाप से कोई एक स्त्री थी जो कि वो मछली रूप धारण की। एक समय आकाश में एक देवता एक अप्सरा वो आकाश में उड़ते हुए जा रहा था। जाते समय उनकी रेत स्खलित हुई। स्खलित होने पर भगवत इच्छा से ये जो मछली रूप धारण की थी ऋषि की अभिशाप से उसने वो रेत को ब्रज को उसने पान की। तो ये था केवट, ये मछली पकड़ा करता था। एक दिन एक मछली इसकी जाल में आ गई। जब उसने उसको पेट को काटा देखा उसकी गर्भ से एक अपूर्व सुंदरी। क्यों? वो जो मछली थी वो भी स्वर्ग की कोई अप्सरा थी, लेकिन रेत में जिसका स्खलित हुआ वो भी कोई अप्सरा था। इसलिए दोनों ही बड़े सुंदर थे। हम कहते हैं ना ये लड़की अप्सरी जैसे, ये आदमी अप्सरा जैसे, उसको हम उदाहरण देते हैं। इसलिए उसकी गर्भ में ये जन्म हुई, इसलिए वो देखने में बड़ी ही सुंदर थी। और ये मछली की गर्भ से जन्म हुई इसलिए इसका एक नाम था मत्स्य गंधा, क्योंकि इसकी शरीर से मछली की बदबू निकलती थी। केवट ने कहा बेटी ये ऋषि जमुना पार करना चाहते हैं, जाओ ये ऋषि को तुम जमुना पार करवा दो। जब ये जमुना पार करा रही थी उसी समय में ऋषि ने ये लड़की को पहचान गई कि लड़की कोई साधारण नहीं। एक बीच में टापू आ गया, नाव वहां पर लगने पर ऋषि ने अपना दिव्य दृष्टि से वो लड़की को उन्होंने देखा। जब देखते ही वो लड़की उसी समय में ही गर्भधारण की और उसी समय में ही श्री व्यास देव को उन्होंने जन्म दिया। इसलिए इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तात्पर्य यह है कृष्ण मतलब देखने में वो काले रंग के थे, कृष्ण रंग जैसे श्याम रंग थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण। बोले द्वैपायन मतलब वो दीप से ही वो प्रकट हुए। बोले वेदव्यास का मतलब जिन्होंने वेद को उन्होंने विस्तार किया। पहले एक वेद था, उन्होंने एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित किया, ऋग यजु श्याम और अथर्व। फिर उन्होंने देखा कलयुग में लोगों को वेद समझना भी बड़ा कठिन है, इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने उपनिषद को उन्होंने रचना की। फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र को रचना की। फिर 17 पुराणा को उन्होंने रचना की। फिर देखा स्त्री सूत्रों को वेद में अधिकार नहीं। फिर पंचम वेद श्री
महाभारत रचना की। जब उनको मन में शांति नहीं मिली तब श्री नारद जी आकर के बताए, देखो इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही है, तुमने दूसरे दूसरे धर्मों को जितने तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताए, कैसे पैसा कमाओ, कैसे दान दक्षिणा दो, कैसे स्वर्ग में जाओ, खूब भोग करो, फिर इसी मरते जगत में आओ, तुमने ये दुनियादारी धर्मों को जितने बढ़ा चढ़ा करके बताया, जीव का जो असली धर्म है भगवान की भक्ति करना, तुमने ये चीज को तुमने दिन फॉरगेट नहीं बताया। और तुम्हारी ये ग्रंथ अगर कोई पढ़ेगा ना, भविष्य में तो लड़ाई लड़ाई करेगा आपस आपस, क्योंकि सी पुराण जब तुमने बनाया बता दिया सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम शंकर ही सब कुछ है। जब तुमने देवी पुराण बनाया बोले जगत अम्बा जगत जननी सब कुछ, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि हुए, जहाँ पर तुमने ब्रह्मा जी की महिमा तुमने गाए बोले जगत को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ही है। अभी जहाँ पर तुमने गणेश जी की महिमा गाई बोले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। अगर ये ग्रंथ को कोई पढ़ेगा ना, जो जो ग्रंथ को पढ़ेगा वो बोलेगा जगत में वही सबसे बड़े, उनसे और जगत में कोई श्रेष्ठ है नहीं। भविष्य में इसको लेकर के जगत में सब झगड़ा आपस में करेंगे, हैं कलह करेंगी। इसलिए अभी अगर तुम शांति पाना चाहते हो, अभी तुम ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करो, जिसमें शुद्ध रूप में भगवान और उनका भक्तों का चरित्र को वर्णना करो। इधर उधर देवादेवी किसी देवादेवियों का नाम को मत लो, इनकी वर्णना मत करो, क्योंकि जो जीव है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश, उसका कर्तव्य ईश्वर को भक्ति करना। तो गुरु जी कहते थे, नारद जी व्यास देव जी को बोले तुमने ब्रज की महिमा गाए हो, कैसे कृष्ण परात्पर तत्व होते हुए भी सखाओं कैसे झूठा रखा करते, कैसे सखा लोग कृष्ण को घोड़ा बना देते थे, कभी तुमने ये बात बोली तो बोले नहीं, बोले तुमने ये बताए कृष्ण भगवान होते हुए भी ब्रजवासियों का प्रेम में वशीभूत होकर के प्रभु घर घर में मक्खन चोरी किया, तुमने ये बात बता, बोले नहीं, बोले भगवान होते हुए भी मैया की प्रेम में उखल में बंद गए, लिखे बोले नहीं, बोले तुमने ये लिखा कृष्ण कैसे सत करोड़ गोपियों का साथ में रास रचाए, अगर कभी हैं कृष्ण स्वयं जहाँ पर झोली मिला करके कहती है गोपियाँ ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं तुम्हारी ऋणी कभी चुका नहीं पाऊंगा, बताए बोले नहीं, बोले तुमको शांति का हाथ मिलेगी। अगर तुम शांति पाना चाहते हो, दिल खोल करके ब्रज की कथा गाओ, भगवान कृष्ण के प्रेम की महिमा गाओ, हैं तब तुम्हें शांति मिलेगी। इसलिए जो कल का जो दिन है, इसलिए उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, आदि गुरु कौन है, श्री व्यास, ये भगवान की सत्यावे सर्वदा। इसलिए कल ही उन्होंने जन्म लेकर के और जितने ये वेद पुराण उपनिषद जितने सारे ग्रंथ उन्होंने रचना की, अगर वो ग्रंथ रचना नहीं करते फिर हम किसकी कथा सुनते, पर किसकी कथा सुनता है, तो ज्ञान कहाँ से आता। इसलिए सारा दुनिया में कल सत्य शक्ति व्यास देव जी का पूजा करते। अभी प्रश्न है व्यास देव जी की पूजा होनी चाहिए, फिर हम लोग अपना अपना गुरु जी को करके पूजा करते, कारण क्या, बोले कारण बताए व्यास मतलब होता है विस्तार करना, है बोले हमारे गुरु जी क्या करते हैं, बोले व्यास देव जी ने जो जो काम किया है हमारा गुरु जी भी संसार में आकर कोई भी काम करते, जैसे यहाँ पर हमारे नवीन प्रभु जी आए, इसलिए जो गुरु जी चार तरह का गुरु जी बताए, कितने तरह का, चार। पहला नंबर है ब्रह्म प्रदर्शक गुरु, ब्रह्म प्रदर्शक मतलब सबसे पहले हमने हमें जो रास्ता दिखाया, जिसने आकर के हमें सबसे पहले भगवान को बार में बताया, रास्ता को जिसने दिखाया, इसको कहते ब्रह्म प्रदर्शक गुरु है। दूसरा गुरु कौन है, कहते बताए श्री शिक्षा गुरु, हैं
शिक्षा गुरु मतलब जिनसे हम भगवत भक्ति की शिक्षा प्राप्त करते हैं। बोले तीसरा गुरु कौन है? बोले दीक्षा गुरु, हमें जो मंत्र प्रदान करके, हमें जो भगवान की नाम हमें मंत्र प्रदान किया, ये कौन है? यदि ये दीक्षा गुरु। एक होता है अंतर्यामी गुरु है, चैत्य गुरु। बोले ये कौन है? वो कौन है? बोले ये स्वयं कृष्ण है। हम कहते हैं ना कृष्ण बंदे जगत गुरु, जगत गुरु कौन है? कृष्ण है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। मतलब हम ब्रह्मांड भ्रमण करते करते पता नहीं कब से हम भगवान से बिछड़े, कब से हम भगवान को भूले। अनादिकाल से भगवान को भूल करके हम ये 84 लक्ष ज्योति में भटक रहे। 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष ज्योति में कभी गद्दे कभी कुत्ते कभी पेड़ कभी पौधा कभी कीड़े कभी मकोड़े कभी स्वर्ग में कभी मध्य में कभी पाताल में, ऐसे ही हम 84 लक्ष ज्योति में हम भटक रहे। भटकते भटकते जिनको पूर्व पूर्व जन्म का बहुत सारी उन्होंने सुकृति अर्जन किया है। सुकृत मतलब गुरु वैष्णव की उद्देश्य में, ठाकुर को उद्देश्य में अगर कोई अच्छा कर्म किया है, फिर उनको भगवत इच्छा से यदि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए बंदे लता है। यदि उदाहरण दिया भक्ति एक लता है, लेकिन बीज बीज के बगैर तो लता हो ही नहीं सकती है। यदि वो बीज कहाँ से मिलती है? बोले गुरु जी से। ये गुरु जी जो हमें मंत्र प्रदान की, हमारा हृदय एक खेती है, उसमें जो मंत्र दिया वो बीज बोए, इसमें एक बीज बो दिए। अभी प्रश्न है हम जो गुरु जी को पास में आए, अभी हमें यहाँ तक लाया, पता कौन लाया? नवीन प्रभु जी, ठाकुर जी लाए। इसलिए इनको कहते हैं नवीन प्रभु, आपको मतलब ये रास्ता दिखा है। लेकिन अभी प्रश्न है उनको तक आपको कौन लाए और मेरे तक आपको कौन लाए? यदि ये ठाकुर जी लाए, यदि गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता भी। ये तो गुरुदेव मंत्र दिए, बोले कृष्ण ने क्या किया? बोले यहाँ तक हमें जो लाया है कौन लाए? भगवान कृष्ण हमें यहाँ तक भगवान कृष्ण लाए। अगर वे अगर हमें नहीं लाते है ना, फिर हम यहाँ पहुंच नहीं सकते। पर हमें और क्यों नहीं पहुंचा दिया? हमें यहीं पर क्यों लाए? जगत में तो बहुत सारी गुरु है, प्रश्न है हमें यहाँ क्यों आए? कहते ठाकुर जी ने हमें यहाँ तक लाए। महाप्रभु धारा में, शुद्ध भक्ति धारा में श्री ठाकुर जी हमें यहाँ ला करके नवीन प्रभु जी से मिला दिया, फिर उसको बाद में फिर मेरे साथ में मिला दिया, फिर हमने क्या किया? फिर हम ठाकुर के पास में, गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी के पास में हमने बोला श्री गुरुदेव जी की। इसलिए यहाँ पर कह रही है चार तरह का गुरु है, इसलिए सबको हमें यथा योग्य सम्मान हमें देनी चाहिए। यथा योग्य जिससे हमें जितनी भक्ति मिला उनको उतना हमें हमें सम्मान हमें देनी चाहिए है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रश्न है, अभी उसी दिन हम गुरु जी को क्यों पूजा करते? कारण है व्यास देव जी ने जो जो काम किया, गुरु जी भी आकर के जगत में वही वही काम कर रहे हैं। भगवान कथा को दुनिया में विस्तार जगत में कर रहे हैं, भगवान कथा को विस्तार करते हैं। इसलिए कल का दिन सभी लोगों ने अपना अपना गुरु जी के आश्रम पर जाते हैं और गुरु जी की पूजा करते हैं। इसको कहते हैं व्यास पूजा। फिर प्रभुपाद कहते हैं, बोले भैया व्यास पूजा का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? वो कह रहे हैं इसका क्या मतलब, जैसे थोड़ी सी फूल लाए गुरु जी की गला में माला पहना दिया, थोड़ी सी फूल ला कर गुरु जी के चरण में दे दिया, कुछ कपड़ा लता लाए और हैं और कुछ प्रणाम गुरु जी का दिया, कभी तो देनी चाहिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं गुरु जी को पास में जाओ तो 3 चीज को लेकर के जाओ। कितने चीजों को? 3 चीज। 3
ये तो तीन चीज क्या है, बोले तद्विधि प्रतिपादेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम् ज्ञानेन तत्त्वदर्शनम्। बोले सबसे पहले बोले तद्विधि प्रणिपात, सबसे पहले जाकर के गुरु जी के चरण में प्रणाम करो। प्रणिपात मतलब प्रणाम करना। प्रणाम करना मतलब क्या है? बस केवल सर झुका दिया प्रणाम हो गया? फिर सर झुका दिया प्रणाम हो गया? नहीं, प्रणाम मतलब होता है पूर्ण रूप में उनके चरण में नमः। नमः मतलब क्या है? सारे अहंकार को छोड़ करके, सारे अभिमान को त्याग दे करके गुरु जी के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत हो गए। इसलिए सेवक, हमारे गुरु जी कहते थे सेवक तीन तरह के। कितने तरह के? तीन। एक पहला नंबर जो बढ़िया, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर और चौथा नंबर। गुरुदेव कहते थे पहला नंबर सेवक कौन है? कहते जो गुरु जी की इच्छाओं को जान करके जो सेवा करे, बोलने से पहले करते, बोलने से पहले। उससे भी श्रेष्ठ कौन है? जैसे समझो तुम्हारी पति थे कहीं बाहर जा रहा है, ठंडा का समय, आपने बताया देखो आप इतने गुरु जा रहे हो, कुछ कपड़ा साल फल ले जाओ। पति जी कहता जरूरत नहीं, जाऊंगा और वापस चला आऊंगा। लेकिन पत्नी कहती नहीं, अभी ठंडक ठंडक है, लोग इस साल ले लो साथ में। और पत्नी कहती है देखो थोड़ी सी खाना भी टिफिन में ले जाओ, हो सकता है देर हो जाएगा तो फिर कहाँ से खाना खाओगी। बोले जरूरत नहीं, इधर उधर को जो खा लूंगा, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन पत्नी क्या करती है, एक टिफिन में बढ़िया रोटी की सब्जी बना करके, अचार और बढ़िया बना करके टिफिन में सजा करके एक बैग में भर देती है और एक साल भर देती है। लेकिन पति मना कर रहा है, पति मना कर रहा है जाऊंगा आ जाऊंगा, लेकिन पत्नी जोर जबरदस्ती करके दे रही है। बताओ वो पति खुश होगा ना नाराज होगा? खुश होगा। बोलो दुखी होगा ना सुखी होगा? सुखी होगा। वो तो मना कर रहा है लेकिन पत्नी जोर जबरदस्ती दे रही। पति बड़ा खुश, देखो मेरी बीवी कितने मेरे को प्यार करती, मैं मना करने पर भी मेरे को जोर जबर। गुरुदेव कहते थे ये पहला नंबर सेवक है, पहला नंबर की भावना को समझ करके जो सेवा करते हैं, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर कौन है? कहते जो बोलने से पहले जो सेवा करते हैं, इसको कहते हैं दूसरे नंबर। बोलने से पहले मन की भावना समझ के, बोले तीसरे नंबर कौन है? जो बोलने पर वो आदेश को पालन करे, कहते ये श्री, कहते ये तीसरे नंबर। बोले चौथे नंबर कौन है? बोले बोलने पर भी जो नहीं करे। इसलिए गुरुदेव कहते थे सेवक, गुरुदेव कहते थे बोले से को हटा दो, मतलब बबुला, ये बबुला सेवक है, ये सेवक नहीं है, ये सेवक नहीं। इसलिए फिर सेवकों को तीन चार तरह का बताया। बोले एक सेवक है भ्रमर, भौरा, भौरा जानते हो, मधुमक्खी गुनगुन गुनगुन करता है ना। गुरुदेव ने कहा देखो वहां पर कोई जरूरी सेवा वहां पर जाओ, नहीं तो व्यक्ति को खबर दे दो कोई मैसेज। बोले गुरुदेव अगर वहां जाकर के अगर मिले नहीं तो फिर क्या होगा, अगर रास्ता में कोई दिक्कत हो गई तो? गुरुदेव अगर वो कहीं गए हुए तो, जैसे भौरा होता है ना मधुमक्खी गुनगुन गुनगुन गुनगुन। इसलिए गुरुदेव बोलने से पहले अगर गुरुदेव अगर नहीं हुआ तो इसको कहते हैं भ्रमर। दूसरा है पान, पान मतलब होता है तीर, है तीर, जैसे तीर को मारो ना वो एकदम सीधा चलता है। गुरुदेव कोई आदेश दे रहे हैं, अभी मुंह से बात आधा ही निकली भागना शुरू करते हैं, अभी पूरा बात सुना ही नहीं, बात अभी पूरी नहीं सुने, सुनने से पहले भागना शुरू कर दिया। फिर वापस जा रहे हैं, गुरुदेव क्या बोल रहे थे, मैं तो पूरा बोला ही नहीं। गुरुदेव ने कहा एक गिलास पानी ले आओ, बड़े प्यास लग रहा था, वो गए जाकर के वापस आ गया। बोले गुरुदेव ये स्टील का बर्तन में लाओ ना सोने का, वो वापस आ गया। बोले अरे गला फट रहा है किस में भी ले आ, जाकर के फिर थोड़ी दूर से फिर वापस आ गया। फिर क्यों आ गया? बोले गुरुदेव पूरा ग्लास में पूरा लाओ ना आधा।
गुरुदेव ने मेरा गला फट रहा है जो मुझे तो नहीं आया इधर गया फिर वापस पर फिर यहाँ आ गए बोले गुरुदेव पानी में था मिश्री मिला कर ना चीनी मिला कर बोले बेटा गला फट रहा है इतना जल मिला चाह करके फिर वापस आया फिर दुश्मन था नींबू डाल कर त्रास में नींबू अलग गला फट रहा है जल्दी कर लाओ इसलिए सेवक बहुत सारी तरह सेवक है गुरुदेव ने एक सिस्टर को चाय रुपया दिया बोले बेटा देखो मैंने सुना उसी दुकान में बहुत बढ़िया रसगुल्ला मिलता बेटा ये चाय रुपया को चार रसगुल्ला लेकर जाना लेकिन देख करके लाना बढ़िया होनी चाहिए एक एक रसगुल्ला का उस समय कीमत था एक एक रुपया वो गया बोले गुरुदेव ने कहा देख कर मिला बिना खाए पता कैसे चलेगा इसलिए एक रुपया दिया और देख एक रसगुल्ला खा लिया बहुत बढ़िया है फिर तीन बज गया जब तीन रसगुल्ला लिया बोले गुरुदेव तो मेरे शत्रु नहीं गुरुदेव तो मेरे मित्र है गुरु है फिर गुरु को बेजोड़ा कैसे तू तीन तो अमंगल है इसलिए उन्होंने एक खा लिया फिर सोचता है बोले देखो गुरुदेव कभी भी मेरे को दिए बगैर खाते ही हर समय मेरे को देख के खाते हैं गुरुदेव ने इतना कष्ट क्यों करने दिया खुद ही देख खा लो कितना खा लिया जब मैंने एक रसगुल्ला लाए गुरुदेव ने कहा बेटा तेरे को मैंने चार रुपया दिया था चार रसगुल्ला लाने के लिए तुमने एक कैसे बोले गुरु जी बताया था ना देख करके लाना खाए बगैर पता कैसे चलेगा इसलिए मैंने एक खा लिए बोले फिर तीन बोले गुरुदेव आप तो मेरे मित्र हो गुरु जी को बेजोड़ा नहीं देनी चाहिए हाँ तीन अमंगल है इसलिए खा लिया बोले दो कहाँ गया बोले गुरुदेव आप तो मेरे को दिए बगैर कभी खा दे इसलिए मैंने सोचा गुरुदेव को कष्ट क्यों करना पड़े पहले खा लिया एक राजा बोले तुमने कैसे खा लिया बोले कैसे अरे बाल इसलिए इसलिए गुरुदेव देख बेटा देखो महाप्रभु ने कहा एक लाख हरिनाम करनी चाहिए है जब तक कोई एक लाख हरिनाम नहीं करता है ना ठाकुर जी उनका हाथ का दिया हुआ चीज खाते गुरुदेव बोल दिए अभी बोले एक लाख का नाम करना पड़ेगा लेकिन पहले नियम था हर व्यक्तियों को ये ब्रह्मचारियों का नियम है ऐसे नहीं गुरुदेव कमा करके लाए बैठ कर खाए नहीं पहले नियम था रोज ब्रह्मचारी को गांव में भिक्षा करके जाना पड़ेगा बोले उतना भिक्षा करो जो अपना लिए भी हो जाए और गुरु जी के लिए भी हो जाए नियम ये है अपना के लिए हो गुरुदेव के लिए हो गुरुदेव का कमाई हुआ वस्तु शिष्य को नहीं खानी चाहिए अपराध है अभी गुरुदेव ने कहा बेटा तू भिक्षा में नहीं जाओगे बोले गुरुदेव आपने बताया था ना एक लाख हरिनाम करने के लिए अभी तो माला पूरी नहीं फिर गुरुदेव खुद गए भिक्षा करने का बोले बेटा थोड़ा तो सब्जी अमनिया कर दो थोड़ी सी रोटी तो बना दो बोले गुरुदेव माला तो अभी पूरी नहीं अभी गुरुदेव भिक्षा करके लाए सब्जी अमनिया किया रोटी बनाए बोले बेटा कम से कम ठाकुर को भोग तो लगा दो बोले गुरुदेव माला तो पूरी नहीं हुई थोड़ी सी बाकी अभी गुरुदेव गए ठाकुर जी को भोग लगाया बोले बेटा थोड़ी सी आसन तो बिछा दो बोले गुरुदेव अभी थोड़ी सी बाकी है माला अभी गुरुदेव खुद आसन बिछा दिया बर्तन हाँ प्लेट दे दिया बोले बेटा थोड़ा प्रसाद तो पा लो बोले गुरुदेव आपका आदेश कितने अमान्य करो तो इसलिए सबसे पहले गुरु जी की शरण में जा है गुरु जी की शरण में पहले जा करके उसकी सबसे पहले प्रणिपात मतलब संपूर्ण गुरु जी के शरण में शरणागत हो जाए उसके बाद में तद्विधि प्रणिपात बोले परिप्रश्न है उसके बाद में परिप्रश्न करना फिर उसके बाद में सेवा करना गुरु जी की सेवा करनी चाहिए गुरु जी से सेवा नहीं लेनी चाहिए गुरु जी से सेवा
नहीं लेनी चाहिए, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। जब हम गुरु जी की सेवा करेंगे तब गुरुदेव उदाहरण दे सकते। अरे गुरु जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, गुरुदेव दो तीन गुरुदेव उदाहरण दे। गुरुदेव पहला उदाहरण दिया उदालक। ये उदालक उपनिषद की कथा की। अभी पहले संतों का सब खेती बाड़ी होता था, बड़ी तेजी से बारिश हो रहा था। गुरुदेव ने कहा बेटा जाओ बेटा, बारिश हो रही है, जो मेड़ होता है ना उसको देखना, अगर पानी निकल जाएगी तो फिर खेती नहीं होगी। गुरुदेव ने आदेश किया, बड़ी तेजी बारिश हो रही थी, देखा जो मेड़ है ना वो टूटा हुआ है और बारिश होकर के पानी निकलते हुए जा रहा है। उसने कोशिश किया मिट्टी को लेकर के मेड़ को सही करने के लिए, लेकिन जितने मिट्टी डालता है ना उतना मेड़ बहते हुए जा रहा है। अब किसी तरह से पानी रुक नहीं रहा है। लास्ट में उसने किया क्या, वो मेड़ में एकदम लेट गया। उसमें मेड़ लेट गया, पानी निकलते हुए जा रहा था, पूरा लेट गया। गुरुदेव ने देखा उदालक अभी तक आया ही नहीं, क्यों, क्या बात है। गुरुदेव ने बड़े देर में आए, आ करके देखा एकदम लेटा हुआ, बारिश हो रही है, शरीर थरथर थरथर कांप रहा है, ठंडा खा रही। लेकिन गुरुदेव ने सेवा के लिए बताए हैं, उसने पूरा के पूरा मेड़ पर लेटा हुआ। बस गुरुदेव देख करके संतुष्ट हो गए, बोले बेटा तुमने गुरु जी की सेवा के लिए इतने बलिदान किए, इतने बलिदान किए। अरे गुरुदेव उसको सर पर हाथ रखे और उन्हें आशीर्वाद दिए, बोले जा बेटा तुम्हारे हृदय में जितने वेद पुराण उपनिषद सब स्फूर्ति हो जाए, सब स्फूर्ति हो जाए। गुरुदेव दूसरा उदाहरण देते थे उपमन्यु। ये उपमन्यु जब गुरु जी के आश्रम में आए, गुरुदेव ने कहा देख बेटा जाओ, पहले गुरु जी आश्रम में गैया होता था, बोले जाओ बेटा तुम गैया चराने के लिए जाओ। उन्होंने गैया चराया करता था, लेकिन देखा उसको शरीर बड़े हृष्ट पुष्ट है, बोले क्यों बेटा तुम्हारे शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे। गुरुदेव परीक्षा कर रहे थे, बोले मैंने तो तुमको खाना नहीं दे रहा हूँ, मैंने गुरु खाना नहीं दे रहा हूँ, फिर शरीर हृष्ट पुष्ट कैसे। नियम है जब गुरुदेव आदेश दे तभी भोजन करनी चाहिए, गुरुदेव का आदेश के बगैर भोजन नहीं करनी चाहिए। बोले तेरे शरीर इतने हृष्ट पुष्ट कैसे, मैं तो तुमको खाना नहीं देता हूँ। बोले गुरुदेव जब भूख लगती है ना गैया का थोड़ा दूध पी लेता हूँ। बोले नहीं, ये गैया के दूध बछड़े के लिए, तेरे लिए नहीं, खबरदार दूध नहीं पीना। गुरुदेव मना कर दिया। अभी तभी भी देखा शरीर हृष्ट पुष्ट है, बोले क्यों बेटा तेरे को तो मैंने दूध पीने के लिए मना किया, तब भी तेरे शरीर इतने हृष्ट पुष्ट कैसे। बोले गुरुदेव, बोले गुरुदेव जो बछड़ा दूध पीता है, अब देखिए बछड़े दूध पीते समय, जब बछड़े दूध पीते हैं ना देखना उनका दोनों धार से झांक बनती है, दूध की झांक बनती है। बोले वो झांक को मैं खा लेता हूँ। बोले नहीं, बछड़े तेरे लिए जान बूझ करके ना वो ज्यादा झांक को बनाया करते हैं, खबरदार नहीं खाना, नहीं तो बछड़े भूखे हो जाए रह जाए। अभी गुरुदेव ने मना किया, उसने भी झांक बिना खाना मना कर दिया। अभी भूख लगी क्या खाएंगे, जो आकंत पेट कर क्या कहो, आकंत का जो जो शंकर जी के सर पर फूल चढ़ाते हैं, आप उसको तोड़ो ना, उसको देखना जो जूस है ना उसका वो एकदम दूध जैसे है। उसने क्या किया, उसको ही पी लिया, खा लिया, खा लिया तो बस आंख हो गया अंधा, अंधा हो गया तो कुएं में गिर पड़ा। अभी गुरुदेव ने देखा ऊपर मैंने, अभी शाम हो गया अभी तक भी वापस नहीं आ रहा जो गया था। अभी गुरुदेव ढूंढते ढूंढते आए, बोले बेटा उपमन्यु तुम कहाँ हो। बोले गुरुदेव मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ, क्योंकि आपने मना कर दिया खाने के लिए, अभी भूख लगा, भूख मारे आदत का जूस मैंने पी ली, आंख मेरी अंधी हो गई। इतने में गुरुदेव इतने प्रसन्न, इतने गुरुदेव बड़ी क्या कर रहे थे, लाए उसको बाहर निकाले, जब उसको आंखों के ऊपर हाथ घुमाया ना फिर उसका दो बार हाथ बोला श्री गुरुदेव जी की। गुरुदेव ये गुरुदेव उदाहरण। गुरुदेव फिर तीसरा उदाहरण देते थे गुरु सेवा कैसे करनी चाहिए। फिर उदाहरण देते थे कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और सुदामा का उदाहरण देते थे।
जिस समय कृष्ण सुदामा, जिस समय सुदामा जी कृष्ण को दर्शन करने के लिए गए और भगवान ने जिस आसन में भगवान बैठते हैं, भगवान सुदामा जी को उसी आसन में बैठा दिया, आंखों का आंसुओं से उन्होंने सुदामा जी के चरण को उन्होंने पता है चरण को अभिषेक की और जिस पेड़ के ऊपर में भगवान लक्ष्मी को साथ में विश्राम करते हैं, उन्होंने सुदामा जी को उसी पेड़ ऊपर में सुदामा जी को लेकर के बैठा है। कृष्ण स्वयं कह रहे बोले सुदामा तेरी याद है, बोले प्रभु किस बात की याद, बोले एक समय हमारे गुरु माता ने हमें जंगल में लकड़ी बीनने के लिए भेजा, हमने लकड़ी को गठली बांध करके हमने सर पर रखे, इतने में आंधी तूफान बना, घोर आंधी तूफान आया, इतने तेजी से आंधी तूफान आया, इतने मुसलधार से बारिश हुआ, चारों तरफ में पानी 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 पानी, कहां ऊंचा कहां नीचा कुछ दिख नहीं रहा है, और हम गठरी सर के ऊपर में लकड़ी की गठरी लेकर खड़े हुए, उसको नीचे नहीं फेंक दिया क्योंकि रोसी बनेगा कैसे, ठाकुर जी की भोग कैसे लगे, हम सर पर ही रखकर खड़े रहे। अभी जब शाम हो गया, जब हम दोनों वापस नहीं आए, इतने में गुरु जी स्वयं हम दोनों को ढूंढते ढूंढते गुरु जी आए और जोर जोर से पुकारे, बोले सुदामा कृष्णा तुम कहाँ हो, बोले गुरु जी हम यहाँ पर, बोले वहां क्या कर रहे हो, गुरु जी हर किस लंटर क्या बोलते हो ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है जिनकी केवल एक इशारा पर, लेकिन आज भगवान गुरुदेव की सेवा की शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं लकड़ी की गठरी लेकर के भगवान करें और शरीर कांप रहा है, शरीर कांप रहा है जिनकी अनंत करोड़ों वैकुंठ है, जहां जिस चरणों को लक्ष्मी गोद में लेकर के हर समय सेवा करती रहती है, लेकिन आज भगवान गुरु सेवा कैसे करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने गठरी लेकर खड़े हुए, शरीर कांप रहा था, बारिश ठंडिया का बारिश, जब उन्होंने देखा उनकी सेवा को देखा है ना, गुरुदेव संतुष्ट हो बोले बेटे मेरे सेवा के लिए तुम दोनों ने इतने परिश्रम किया, फिर गुरुदेव सर पर हाथ रखे कि कृष्ण कह रहे हैं इसको सुदामा को सुना रहे, बोले याद है, अरे गुरुदेव हमारे ऊपर कितने खुश हुए, बोले बेटे सारा दुनिया जब तक ये दुनिया रहेगी तुम्हारी नाम तब तक रहेगी ये दुनिया, तथा तब द्वापर जी की जुगी, अभी भी हम ये कथा को सुनते हैं, सत्य युग में भागवत में लिखा हुआ है, भागवत तो नित्य है, जब जब ये ग्रंथ प्रकाशित होता है तब तक कथा सब दुनिया पढ़ते रहते सुनते रहते हैं, इसलिए तब भगवान कृष्ण खुद कहते हैं लिखना अहम इच्छा प्रजाति तपसा दुस्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जता, कृष्ण खुद कह रहे बोले हे हे सुदामा मैं गुरु जी की सेवा से जितने संतुष्ट होता हूँ पाठ इच्छा पूजा और किसी को द्वारा मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ, है ये कृष्ण स्वयं सुदामा, इसलिए गुरु जी इसका उदाहरण देकर के गुरु जी कहा करते थे कैसे शिष्यों को गुरु जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, जो जितने निष्कपट रूप में गुरु जी की जितने सेवा करेगा उसके हृदय में उतना ही ग्रंथ वेद पुराण उतना ही उसके हृदय में स्फूर्ति होता, इसलिए सर पर हाथ रख करके उन्होंने बोले जाओ तुम्हारे हृदय में सारे वेद उपनिषद सब तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो जाए, इसलिए गुरु जी कहते थे बोले अभी हमने भगवान को नहीं देखा, भगवान को देखे हो, देखो भगवान को, अरे हम किसको देखें, गुरु जी को, गुरुदेव कहते थे पहले हमें गुरु जी की सेवा करनी पड़ेगी, पहले ठाकुर जी की नहीं पहले गुरु जी की सेवा, पहले कोई अगर सोचे
बोले गुरु छाड़ी गोविंद भजे से पापी नारद भजे। अगर गुरु जी को छोड़ करके कोई बोले का नहीं हम तो भगवान की सेवा पूजा करेंगे भगवान की भक्ति करेंगे, बोले भैया नरक जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े कितना भी लोग पाओ बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद देव। इसलिए गुरु जी कहते थे हम कोई कोई सोचते नहीं हम डायरेक्ट तो भगवान की सेवा करें, गुरु जी नहीं पहले तुम्हारी सेवा गुरु जी की करना पड़ेगा, पहले सेवा किसको गुरु जी की करना पड़ेगा, गुरु जी की प्रति तुम्हारी जितने प्रीति होगी। इसलिए कहते हैं जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु, मतलब है जैसे तुम्हारी भगवान के प्रति प्रीति है ठीक वैसे गुरु जी के प्रति होनी चाहिए, तभी जितने शास्त्र ग्रंथ तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा तभी प्रकट होगा तभी हृदय में प्रकट होगा है। इसलिए जथा देवे तथा गुरु जैसे भगवान में वैसे गुरु में, कहते जितने भगवान में भक्ति उससे ज्यादा किसको प्रति होनी चाहिए गुरु जी के प्रति होनी चाहिए। जितने तुम्हारी गुरु जी के प्रति प्रीति होगी फिर वही प्रीति को गुरुदेव कहते थे फिर हमें उठा करके श्री ठाकुर जी के प्रति देना पड़ेगा। इसलिए ऐसे नहीं गुरु जी का प्रति प्रीति नहीं होगा पर ठाकुर का प्रति प्रीति होगा, बोले कभी हो ही नहीं सकती, पहले गुरु जी का प्रति प्रीति हो फिर जा करके तुम्हारी ठाकुर जी का प्रति। इसलिए हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज कहते थे उनका तस्वीर अंदर उनको कहते थे देखो हमने महाप्रभु को नहीं जानते कोने में जो बाबा बैठे वो कहते थे हम महाप्रभु देखा नहीं, हमने कृष्ण को भी नहीं देखा, हमने राम को भी नहीं देखा, हमने नित्यानंद प्रभु को नहीं देखा, हमने सर्व स्वामी प्रभु को नहीं देखा है, हमने किसको देखा है गुरु जी को, हमने श्री गुरु जी को देखा। हाँ गुरु जी कहते हैं भगवान है तभी हम मानते हैं, लेकिन हमने तो थोड़ी भगवान को देखा, हमने भगवान को देखा ही, हम किसको देखा है गुरु जी को, गुरु जी को देखा है। इसलिए एक समय श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो हमारे जो महाराज का जो गुरुदेव थे, एक दिन उन्होंने सब भक्तों को उन्होंने एक प्रश्न किया। उनका प्रश्न था भगवत भक्ति मिलने का सबसे सरल उपाय किया और भगवत भक्ति का डेफिनेशन किया है, भक्ति किससे कहते हैं, वह भगवान जल्दी जल्दी क्या कैसे मिलेंगे। सब भक्तों को उन्होंने प्रश्न किया, सब भक्तों ने भक्ति की सब बड़े बड़े डेफिनेशन बताए, वेद में क्या बताया, पुराण में क्या बताया, उपनिषद में क्या बताया, बड़े बड़े भक्ति के उन्होंने डेफिनेशन बताए हैं, सांपराण भक्ति, स्वरे अन्य ममता भक्ति, अन्य अभिलाष, बड़े बड़े भक्ति का डेफिनेशन बताए। लेकिन जब उनका नंबर आया ना है, जब इनकी जो महाराज कोड़े में जी जब इनकी नंबर आई है, बोले तुम बताओ भक्ति का डेफिनेशन क्या है, बोले गुरुदेव हमने भक्ति भक्ति को जानता है हाँ भक्ति भक्ति को जानता है, भक्ति कहती है भक्ति का भाव ही नहीं जानता, हाँ मैं जानता हूँ गुरुदेव, हम जानता हूँ गुरुदेव, अगर हमारी क्रिया से अगर गुरुदेव अगर संतुष्ट हो गए फिर तो मैं समझ जाऊंगा भगवान भी संतुष्ट हो गए। अगर गुरु जी संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, अगर कोशिश कर रहे डायरेक्ट हम भगवान को संतुष्ट करें, हम किसी भी नहीं मानता, हम चाहता हूँ गुरु जी खुश हो तो ठाकुर जी पास हो। इतना जब उन्होंने सुने ना उनका जो गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान कैसे वो इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, तुमने सही बात बताई, तुमने सही बात बताया, हम अभी भगवान को नहीं जानते हैं, किसको जानते हैं गुरुदेव जी को, गुरुदेव को जानते हैं। इसलिए कहते कल श्री गुरु पूर्णिमा है, श्री गुरु पूर्णिमा है, इसलिए बोले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान का मूल क्या, बोले गुरु जी का मूर्ति है, पूजा मूलम गुरु पद, पूजा का सबसे मूल क्या, बोले गुरु जी की पद है, मोक्ष मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष का मूल क्या है, बोले गुरु जी की वाक्य है। इसलिए कहते ना गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया एक आरना करिया आशा। इसलिए गुरुदेव जो बोलते हैं अगर हम सही सही पालन करके हमारी कल्याण हो जाए। इसलिए कल श्री गुरु जी पूजा है, हमारे यहाँ पर कुछ कुछ भक्त लोग है, सब लोग थोड़ी थोड़ी गुरु तत्व को बोलेंगे और आप लोग उसको सुनना,
और कोशिश करना सबके सब गुरु जी की चरण में भक्ति हो। है अभी प्रश्न है भैया, सब गुरु क्या गुरु है? सब गुरु क्या गुरु है? इसलिए उसको कहते हैं व्यास पूजा। क्या नाम है कल? व्यास पूजा। बोले भैया व्यास पूजा का मतलब क्या है? कहते व्यास पूजा का मतलब क्या है? क्या थोड़ा फूल ले आओ, गुरु जी के चरण में चढ़ा दो, गले में माला, थोड़ा प्रणाम, हो गया गुरु पूजा। साल में एक बार आए और दर्शन नहीं। एक समय कोई शिष्य आए गुरु जी के पास में, गुरु जी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले गुरुदेव मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो। बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले गुरुदेव मैं तो आपका शिष्य हूँ, आप मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो। गुरुदेव ने पूछा कितने दिन बाद आप तो मंदिर में आए? बोले साल में एक बार। बोले साल में एक बार आया हूँ। बोले तुम साल में एक बार आए हो, आप कह रहे हो गुरुदेव मेरे को पहचान नहीं रहे हो। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, इसलिए महाप्रभु को स्वामी कहते हैं गुरुदेव हमें जो मंत्र दिया एक बीज हमारे हृदय रूपी खेत में बो दिया। अभी हम एक माली, माली का काम किया रोज रोज उसमें पानी देना, ये माली का काम है। अगर पानी नहीं तो गमला में कोई पौधा बो दिया कब तक जाएगा? दो दिन बाद फिर सूख जाएगा। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, नित्य आना पड़ेगा मंदिर में, कथा सुननी पड़ेगी, हैं? तभी तो तुम्हारी भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। साल में एक बार जब रास्ता भूल जाओ मंदिर में आ गया और बोले गुरुदेव हमको पहचान नहीं रहे, गुरुदेव कह रहे थे। इसलिए मंदिर में आनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। देखो जो लोग मंदिर में कंटिन्यू आ रहे हैं ना, देखो उनकी माथा पर तिलक है, गले में कंटिन्यू, उनको देखो माला ठीक ठीक से जप कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कभी कभी भूल से कभी मंदिर में आ गए, देखो माला जहाँ तहाँ लटका हुआ, वो माला से कोई मतलब नहीं होगा, गले से कंठी उतर गई होगी, तिलक का नाम नहीं होगा। बोले क्यों? बोले पानी नहीं दे गए हो, गुरुदेव तो मंत्र दे दिया तुम्हें, अगर पानी नहीं दोगे तो कब तक जिंदा रहेगा, तो शुक्र खत्म हो जाएगा। इसलिए मंत्र लेना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, गुरुदेव से बोले मंत्र ले लिया ये बड़ी भारी बात नहीं है। इसलिए कंटिन्यू आना पड़ेगा, हाँ मंदिर में आना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, कथा सुनने पड़ेगी, तभी तो आगे जाके भावना बढ़ेगी। हैं माला ले लिया बस, साल में एक बार आके गुरु जी नहीं, ये इसको गुरु पूजा नहीं कहते, इसको गुरु पूजा नहीं कहते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये व्यास पूजा का मतलब क्या है? क्या गुरु जी गला में माला पढ़ाते प्रारंभ दे दिया? ये नहीं, इसको व्यास पूजा नहीं कहते। मतलब व्यास पूजा कहते हैं जिससे गुरुदेव का जो इच्छाओं को पूरी करना। प्रश्न है गुरुदेव का क्या इच्छा है, गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं? इसलिए श्री शंकर जी माता पार्वती को ये बात कहते हैं। शंकर जी कह रहे हैं बोले गुरव संति शिष्य दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संताप हर का। ये शंकर स्वयं कह रहे हैं बोले पार्वती जगत में ऐसे बहुत गुरु मिलेंगे जो शिष्य का केवल संपत्ति को हरण करने वाले, शिष्य जो कुछ करे करे, मछली खाओ, मांस खाओ, अंडा खाओ, प्याज खाओ, लहसुन खाओ, फिर मंत्र ले लो, क्यों साल में तो एक बार आएगा, कुछ तो कपड़ा लता प्रणाम देगा। शंकर जी कह रहे हैं लेकिन वो शिष्य का कल्याण नहीं सोच रहा है, इसका उद्धार कैसे होगा ये नहीं सोच रहा है, वो मंत्र केवल बिजनेस में लगा दिया है। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संताप हरण, हे पार्वती जीव का जो दुख है इसको हरण करने वाले गुरु तो दुर्लभ है, जो जीव का वास्तव जो कल्याण चाहना है, ये संसार से उद्धार कैसे हो, संसार से ये उद्धार कैसे, के कल्याण कैसे हो, हैं? इसलिए व्यास पूजा का मतलब है गुरु जी की इच्छाओं को पूरी करना। बोले गुरु जी क्या चाहते हैं? पैसा लाओ हमें दो, हाँ पैसा ला के तो नहीं, जो सद्गुरु है ना उनको मन में एक इच्छा है। बोले गुरुदेव होते हैं कौन? हम रोज रोज भजन गाते हैं ना, संसार दावा निढलो का तनाय कारुण्य गना गना को प्राप्त सकल्याणा गुणानवास वन्दे
गुरु कहता है गुरु जी कौन और जगत में क्यों आते हैं। ये गुरुदेव है कौन बोले संसार दावा नल ली नलो को हम संसार को बताइए दबा नल है। दबा नल मतलब क्या जब जंगल में आग लग जाती है ये संसार दावा नल है। ऊपर में बड़ी सुहागनी लगती है बड़ी प्यारी है लेकिन जैसे सोने का कलसी है ना हाथ अंदर में डालो ना जहरी जहर है। ये संसार ठीक ऊपर में तो बड़ी हरी भरी लगती है इसको पूछो सुखी हो ऊपर से तो मुंडी हिलाएगा लेकिन अंदर की बात पूछो कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई धन से दुखी कोई बीवी से दुखी कोई पति से दुखी कोई बेटा से दुखी कोई बेटी से दुखी कोई बॉयफ्रेंड से दुखी कोई गर्लफ्रेंड से दुखी कोई काम से दुखी कोई मन से दुखी कोई पड़ोसी से दुखी कोई बिजनेस से दुखी। देखना संसार दुखी 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 कोई घर वाले से दुखी कहते हैं इसलिए यहाँ पर कहते हैं संसार तावा नड़ली नलो को संसार में इसमें आग जल रही है इसमें आग जल रही है। बोले गुरुदेव कौन गुरुदेव कौन बोले भगवान जब किसी जीवों को ऊपर में कृपा करते हैं ये जीव को कैसे उठा करके हम अपना जन्म ले आए जब उसी समय भगवान की जो कृपा भगवान की जो कृपा वो एक मूर्ति रूप धारण करके इसी जगत में गुरु रूप में आते हैं आकर के हमें क्या कहते हैं चलो अपना घर में वापस चलो ये तुम्हारी घर नहीं है तुम तो रिक्लूज होकर के दो दिन के लिए यहाँ पर आए हो रिक्लूज होकर के यहाँ तुम्हारी घर नहीं बैक टू गॉड है अपना घर में चलो है अपना घर कहाँ है ठाकुर जी की चरण में हमारे घर इसलिए गुरुदेव कौन है भगवान की जो कृपा ही एक मूर्ति रूप धारण करके गुरुदेव रूप में आते हैं भगवान की दया कृपा है हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए आते बोले क्यों बोले अपना चरण में ले जाने के लिए गुरुदेव आते हैं गुरुदेव ठाकुर जी ने इसलिए गुरुदेव चाहते हैं हमसे क्या चाहते हैं गुरुदेव गुरुदेव एक चीज चाहते हैं तुम निष्कपट होकर भगवान की भजन करो क्या करो निष्कपट होकर के हृदय को सरल बनाओ कपट मत बनाओ हृदय को कृष्ण बंसुरी की बजाते बंसुरी की बजती है उसका अंदर में कोला है खाली है इसलिए कृष्ण जैसे चाहते हैं ना वो बंसुरी वैसे बजती है इसमें बंसुरी में दो गुण है अगर हमारे अंदर में दो गुण आ जाए ना बस हम भी बजने लग जाए कन्हे हमें भी बजना शुरू कर देंगे भगवान हमें भी बजाना शुरू करते हैं भगवान ठीक है ना इसलिए हमें बंसुरी जैसे हृदय को खाली करके हाँ खाली करना चाहिए कपट को छोड़ करके सरल हृदय से भगवान की शरण में चले जाओ क्या होगा फिर भगवान संतुष्ट हो जाएंगे ठाकुर जी संतुष्ट हमारे ऊपर में ठाकुर जी संतुष्ट हो जाएंगे इसलिए गुरुदेव क्या चाहते हैं हम निष्कपट होकर के प्रभु की भजन करें और अपना घर में वापस चले जाए। इसलिए जिस समय ध्रुव महाराज जा रहे थे वैकुंठ तब नारद इतने खुश हो रहे थे बिना बजा बजा करके नृत्य नृत्य कर रहे थे बिना बजा बजा कर बोले क्यों आज मैंने एक जीव को मैंने मंत्र प्रदान करके उसको गोलोक वृंदावन वैकुंठ ले जा रहा है इसलिए नारद जी प्रसन्न होकर के बिना बजा रहे थे ठीक है ना इसलिए क्या करना गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है हरिनाम दिया है क्या करनी चाहिए उसको नियमित पूर्वक जप कर ऐसे नहीं एक दिन इच्छा हो गया माला जप कर लिया और दूसरे दिन लटक रहा नहीं माला को जब तक माला नहीं करेगा तब तक भोजन नहीं करना पहले भजन बाद में भोजन पहले भजन उसके बाद में भोजन इसलिए भजन के बगैर माला के बगैर भोजन नहीं करनी चाहिए और रोज तिलक लगाना रोज तिलक लगाना और गले से कट्टी गुरुदेव कहते थे जब गले से कभी कट्ठी उतर जाती अगर गुरु जी से हमने कट्ठी लिया है अगर गले से कट्ठी उतर गई जब तक फिर दो बार कट्ठी नहीं पहनो तब तक पानी तक भी नहीं पीनी चाहिए ये तो पाप लगेगा क्यों इसका नाम कट्ठी जैसे पानी पियोगे ये कट्ठे में स्पर्श करते हुए जाता है अगर गले में तुलसी कट्ठी होगी तो उसको स्पर्श करते हुए ये अंदर में जाएगा इसलिए कट्ठी अगर उतर गया फिर कट्ठी को दो बार खोलो कट्टी को उसी को ही खोलो जब गुरुदेव आते फिर ले लो लेकिन वो कट्टी को दो बार खोलो ऐसे नहीं हर समय नया नया कट्टी नहीं हमारे जो गुरुदेव थे ना बड़े गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज वो दिखाते थे देखो जो कट्टी है जब गुरुदेव मेरे को जब मैं पहले मंदिर में आया था वो सबसे पहले ये कट्टी अभी भी हुई अगर उसमें कोई कट्टी टूट जाती थी उसमें फिर नया कट्टी लगाते तो फिर खोल लगते बोले क्यों गुरु जी का हाथ से
जब कोई कंठी लेते हैं गुरुदेव कृपा करके वो हमें कंठी दिया, ऐसे बार बार बजाते रहो, उसको दो बार खो लिया करो, खो करके उसको बैर बैठा लो, ठीक है। और माला कभी भूखी नहीं जानी चाहिए, भूखी मतलब ऐसे नहीं माला इतनी जब नहीं किया। गुरुदेव कहते थे जब गुरुदेव हमें माला देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं हरि नाम ग्रहण करना और भगवान से मिलना एक ही बात है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, है? अगर एक दिन माला नहीं किया, गुरुदेव कहते थे जैसे एक दिन अगर हम स्नान नहीं करें, एक दिन भोजन नहीं करें, एक दिन हम कपड़ा नहीं बदले, अच्छा लगेगा नहीं लगेगी। उसी तरह जो माला भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में आए हैं, है? नाम रूप में आए, जब तक कुछ माला नहीं करे भोजन नहीं करनी चाहिए, इसलिए माला कभी भूखी जानी नहीं, रोज कुछ ना कुछ माला अपना समय का रूप जप करो और कोशिश करो मंदिर में आने के लिए, मंदिर में आने के लिए कोशिश करना। आओगे ना मतलब जैसे कथा सुनोगे, अभी तो हमने एक प्रभु जी को रख दिया सिर्फ जीवन ज्योति प्रभु यहाँ पर है, अभी ये बढ़िया क्लास देते हैं, हाँ अच्छे हरी कथा अच्छी कथा सुनाते हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, रोज सुनावे, उन्होंने एक कप किया करके आया है, पिता माता के एक ही बेटा थे, बहुत लिखाई बढ़ा, अभी अच्छे तरह सेवा पूजा कर रहे हैं, इसलिए आप लोग आते रहेगा, हाँ ये कथा सुनाते हैं, कथा सुनते रहेगा, ठीक है ना, बीच बीच में आते रहेगा, और जो कट्टी भी वो आते हो समझो तो उनका जो लता है ना, रोज रोज अगर पानी में पानी दोगे फिर क्या होगा, रोज रोज बढ़ते रहेंगे, अगर बीच बीच में पानी दोगे फिर बीच बीच में बढ़ेगी, अगर रोज रोज में पानी दोगे पनपना तो ये गोलोक वृंदावन पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब है अगर कंटिन्यू आओगे मंदिर से कथा सुनोगे ये पानी देने का काम है, देखना तुम्हारी भक्ति हरी भरी रहेगी, हरि नाम में रुचि होगी, तिलक लगाने में अच्छी लगेगी, ठाकुर को भजन करने में रुचि होगी, नहीं तो दो दिन बाद में सब टूट जाएगा, ठीक है। अभी हमारे श्री नवीन प्रभु जी थोड़ी सी बलराम सब इधर आ जाओ, जब बोलने वाले प्रेमचंद प्रभु आप ही खराब नहीं बोल आ जाओ, सब थोड़े थोड़े बोलो माइक भैया, सुमित माइक तो माइक ओम अज्ञात निरंतरस्य ज्ञानं शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, नमो विष्णुपादाय आराधिकाय अभिराजाय शिष्यवाद भक्तिवेदांत नारायण वसुमते नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णु पादष्ट कृष्ण शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि जन ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत शेखर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि जन ज्ञापन करते हुए वृंदावन से आए सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि जन प्रणाम है और उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवों के चरणों में आज गुरु जी की सेवा पूजा इत्यादि करने के लिए हम सब एकत्रित हुए। अभी महाराज जी बता रहे थे बहुत सुंदर बात, भक्ति के विषय में हम वास्तविकता में कुछ नहीं जानते, यदि गुरुदेव की सेवा को हम नहीं कर पाए तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है, हम सिर्फ आडंबर करते ही नजर आएंगे। गुरुदेव की जो आज्ञा है वह यह है कि किसी भी प्रकार से जो भी संसार में तुम्हें जीव मिलता है उसे मित्रवत हमें भक्ति राज्य में प्रवेश कराना चाहिए, वो हमारी बस की बात नहीं, हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उस जीव को ला करके गुरुदेव के चरणों में ला करके बैठा सकते हैं, गुरुदेव अपने आप उसको भक्ति मार्ग में आके प्रशस्त करेंगे। तो ऐसे ही गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी इनके जोरदार तालियां हरि बोल, और शिव गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्ट तस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जिनकी कृपा से आज हम सब भक्ति मार्ग में बढ़ रहे हैं। इनका जन्म 1921
ईस्वी में हुआ, बिहार प्रांत में उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में ये उत्पन्न हुए। और आजकल जैसे हम लोग नाम देखते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं, ऐसे नाम नहीं। श्री संप्रदाय के वैष्णव परिवार, ब्राह्मण होते हुए भी वैष्णव परिवार में दीक्षित जो गुरुदेव के पिताजी, उनका नाम था श्री बालेश्वर दत्त तिवारी जी महाराज, उनके सुपुत्र हुए भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। बोलो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। मैया का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी। उनके यहां पर तीन पुत्र रत्न, एक से बढ़कर एक और सर्वश्रेष्ठ रत्न हुए हमारे श्री गुरुदेव, जिनका नामकरण हुआ श्रीमन नारायण। नाम भी देखो, पिताजी ने श्रीमन नारायण ही रखा। और उनके पिताजी, गुरुदेव के पिताजी का भी नाम क्या है? श्री बालेश्वर नाथ तिवारी जी। मतलब बालेश्वर भी गोपाल भी बोला जाता है। तो इतने सुंदर सुंदर नाम, 100 वर्ष से भी पहले जो लोग थे इस तरीके के नाम रखा करते थे, आजकल की तरह नहीं, चिंटू पिंटू किंटू, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। नाम होना चाहिए भगवान से संबंधित या भगवान का ही नाम। तो हमारे जो गुरुदेव हैं, बाल्यकाल से ही बड़े ही सुंदर, बड़ा ही तेज उनके मुखारविंद था। और बचपन से ही वो भगवान नाम जपा किया करते थे। पिताजी के अनुगत्य में रह करके उच्च कोटि के संतों का समागम में जाया करते थे, होता था, कथा श्रवण किया करते थे। बड़ी कम उम्र में ही गीता वेद इत्यादि में पारंगत हुए और साथ में भौतिक पढ़ाई भी उन्होंने की। और धीरे धीरे जब वे बड़े होने लगे, मात्र अभी 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे थे, उस समय इनका प्रेम हो गया रामायण से। श्रीमद् रामायण जब पढ़ते थे और जब राम जी की कथा वो पढ़ते थे, उनकी आंखों से श्रुपात होता रहता था। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये पूर्व जन्म के संस्कार भी नहीं, ये तो साक्षात भगवान के ही लोक से हम लोगों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे। श्री गुरुदेव की जय। तो राम जी का सुंदर पाठ किया करते। अब ऐसा नहीं कि वो भौतिक संसार की जितनी भी गतिविधियां उससे पिछड़ गए, अपनी कक्षा में भी प्रथम आते थे। और 10वीं कक्षा में उनके हिसाब का कोई भी ऐसा बालक नहीं था, ऐसा कोई लड़का नहीं था पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि उनसे तेज में दौड़ पाता। एक बार पूरे डिस्ट्रिक्ट का वहां दौड़ भाग प्रतियोगिता चल रही थी, उसमें गुरुदेव समस्त बालकों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान में आ गए। तो एक वहां पर बालक था, उसको यकीन नहीं हुआ कि ये पतला दुबला बालक ये मुझसे जीत गया। मैं रोज इतना प्रयास करता हूं, इतना दंड लगाता हूं, इतना दौड़ भाग करता हूं, मैं कैसे हार गया। तो उसने जाकर के वहां कोच से कहा कि देखिए, हो सकता है मैं अपना समय से एकदम से नहीं दौड़ पाया हूं, क्या मैं एक बार और इनके साथ दौड़ लगा सकता हूं? कृपा करके एक बार और मेरी इनके साथ दौड़ प्रतियोगिता नियोजित करा दीजिए। वहां जो टीचर थे, कोच थे, उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, एक बार जो जीत गया जीत गया। लेकिन देखिए, ऐसे साहसी थे हमारे गुरुदेव, उन्होंने कहा नहीं, अगर इनको लगता है कि मैं इनको चीटिंग करके या इनको समय न दिया और ऐसे ही मैं जीत गया, तो महाराज गुरुजी, मतलब पहले गुरुजी बोलते थे, आप देखते होंगे मास्टर को पहले गुरुजी बोला कर सकते हो, गुरुजी इन्हें एक मौका और दिया जाए, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं, अगर ये जीत सकते तो बहुत मुझे प्रशंसा होगी। फिर दौड़ लगाई और बहुत
यत्न से उस बालक ने गुरुदेव को पछाड़ने का प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव हाथ ना आए, बहुत तेजी से फिर से दोबारा जीत गए। बोलो श्री गुरुदेव की जय। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल लोग बाग सोचते हैं भक्ति भक्ति वो करते हैं जो संसार का कुछ कर नहीं सकते, वही भक्ति कर सकते हैं, जिनको कोई काम नहीं वही भक्ति कर सकते हैं। वास्तविकता यह नहीं, वास्तविकता यह है कि जो संसार के समस्त कर्मों को बहुत अच्छे से कर सका हो, अपने दायित्व को बहुत अच्छे से निभा सका हो, वही सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। यह आलसियों का काम नहीं है, भक्ति आलसी नहीं कर सकते, भक्ति पाषंडी नहीं कर सकते, पाखंडी नहीं कर सकते। भक्ति एकमात्र वह कर सकता है जो समस्त संसार की गतिविधियों में निपुण हो और उनसे व्यक्त होकर के फिर उसको यहां रस का जो है बिल्कुल रस जो है विष की तरह लग रहे हो संसार के, और जो परम रस है राधा कृष्ण का चरणों का रस, उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा जागृत हो जाए, वह है भक्ति। वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। आजकल क्या हो रहा है, मैं घर की सेवा नहीं कर सकता, चलो भक्ति कर लेता हूं। अरे तुम जब घर में कुछ नहीं कर सकते, तुम भक्ति में वहां क्या करोगे? पहले घर में अपना दायित्व सही निभाओ, फिर जाकर के तुम आगे करो, तब यहां संसार से व्यक्ति होगी। संसार से जो एकदम से छोड़ छाड़ के जंगल चला जाए या कहीं चला जाए और एकदम सोचे मैं बहुत बड़ा भक्त या भक्तिन बन जाऊंगा, नहीं बन सकता। व्यक्ति तभी आएगी जब आप इन संसार के कर्म करते 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 थक जाओगे और इनमें रस की जगह तुम्हें विष नजर आने लग जाएगा, तुम आगे चल करके निष्फल होने लग जाओगे, ये भगवान कृपा करते तब जाके विरक्ति आती है। और जब ये विरक्ति आती है तब वह आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण का जो भक्ति है वह मिल पाती है। आजकल सब लोग इस तरीके की होड़ में लग चुके हैं। धर्म, धर्म किसे कहते हैं? धर्म कई प्रकार के, नाना प्रकार के धर्म है शास्त्रों में। क्या धर्म है? कोई पितृ धर्म है, कोई पुत्र धर्म है, कोई पत्नी धर्म, कोई पत्नी पति धर्म, इत्यादि इत्यादि बहुत धर्म है। धर्म की डेफिनेशन बहुत सरल और ज्यादा है, लेकिन ये साधारण धर्म है, ये परम धर्म नहीं। पहले साधारण धर्म में हमें उत्तीर्ण होना पड़ेगा, और जब साधारण धर्म को अतिक्रमण करके हम जब परम धर्म की ओर अग्रसर होते हैं तो वह परम धर्म हम पर कृपा करके हमें राधा कृष्ण की भक्ति प्रदान करता है। तो परम धर्म क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम। ये समस्त धर्म को आप फिर त्याग सकते हैं, तब त्यागेंगे तो कोई दोष लगेगा नहीं। जिस प्रकार से मीराबाई ने बहुत बड़ा घराना छोड़ दिया, लात मार दी, राणा को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया, इसमें मतलब ये मत समझिएगा मीराबाई आलसी थी या वो कुछ करना नहीं जानती थी। बात ये है कि वो उस अवस्था में आ गई थी, उस कुछ कोटि की अवस्था में आ गई थी कि संसार की उपलब्धियां उनके सामने तुच्छ थी, नगण्य थी, धूल के समान थी और सब कुछ विष की तरह लगता था। इसलिए सबको त्याग करके भक्त फिर जो है असली भक्त उसको प्राप्त होता था। ऐसे ही गुरुदेव जब बड़े होने लगे, दसवीं में इन्होंने भाग दौड़ में जब उत्तीर्ण हुए और परीक्षा में नंबर वन पर थे, तो उस समय अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों के समय में इनको पुलिस में इनको भर्ती किया गया और पुलिस में इनको ऑफिस में इनको पद दिया गया। बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने सारे पद निभाए, अच्छी तरह से कार्य किया, लेकिन जब भी समय मिलता है क्या करते थे? राम 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 हरि नाम हमेशा करते रहते थे। भगवान राम की तरफ इनकी इतनी प्रीति थी कि जहां कहीं भी सत्संग मिल जाए, जहां कहीं भी रामायण का पाठ हो वहां पहुंच जाया करते थे। एक बार इनके ऑफिस में वो नहीं मिल रहा था, एक फाइल नहीं मिल रही थी, तो वहां इनके जो दूसरे साथी थे उन्होंने कहा, श्रीमन नारायण क्या आपने अमुक फाइल देखी है? तो उन्होंने ठहर जाओ, हरिनाम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ, मेरी माला पूरी हो जा रहा है, तो इशारे से कर रहे हैं। फिर वो जब घूम कर आए, कहा
इशारे से कहा उस अलमारी के पीछे अमुक फाइल है, एक साल पहले रखी हुई फाइल हमारे गुरुदेव को याद है और किसी को याद ही नहीं। इतनी इसकी मेधा भी जो है बड़ी तीक्ष्ण थी, हर तरीके की चीजें उनको याद रहती थी। आगे चल करके धीरे धीरे संसार में जो भी इन्हें रस था, इन्हें ऐसा लगने लगा बिल्कुल विरस विष लगने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि चैतन्य महाप्रभु के गण इनके बिहार प्रांत में यहाँ पर पहुंचे प्रचार हेतु, जैसे गुरुदेव यहाँ पर आए ब्लॉक में और आप सबको शिष्य किया, ऐसे ही इनको जो पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु के जो है अनुगत्य में शिष्य और गुरुवर्ग जो वहाँ पर आए हैं, तो मुझे भी चलना चाहिए। वहाँ पहुँचे और वहाँ जा करके इनको भक्ति कमल मधुसूदन महाराज जी वहाँ मिले और उनकी वहाँ पर कथा सुनी इन्होंने और सुंदर तरीके से, और बहुत ज़्यादा इनको आनंद आया। अब तो इनको लगा कि मुझे अब घर में नहीं रहना चाहिए। इनका विवाह हो चुका था, इनकी पुत्रियां हुई, चार पुत्रियां हैं, लेकिन अब इनका जो है संसार में बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जब भक्ति कमल मधुसूदन महाराज को इन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी कि अब मैं घर में नहीं रह सकता, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम एक बार नवदीप आ जाओ, नवदीप आ करके आपको अच्छा लगे तब वैसे ही करना, गुरुदेव जैसा आज्ञा करें। उसके बाद ये नवदीप पहुंचे, आपने कई बार कथा सुनी है भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी को, हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान किशोर गोस्वामी महाराज जी ने भेजा है कि रात्रि में एक भक्त आ रहा है, लालटेन लेकर के भक्त आ रहा है, उसको लेकर आ जाओ। तो भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं और लालटेन लेकर गए हैं रात्रि में, और वहां पर तैयारी जी कौन है, तिवारी जी भी नहीं बोले, तैयारी जी बोले, तो उन्होंने बोला मैं हूं तिवारी। अच्छा, ये लेकर आए हैं और वहां रह करके इन्होंने कहा मैं तो भक्ति कमल मधुसूदन महाराज जी के पास जाने के लिए आया था और ये महाराज जी ने मुझे कैसे बुला लिया। देखो ये गुरु और शिष्य का संबंध है। तो परम गुरुदेव ने कहा देखो उनका जितना कार्य था उन्होंने किया, उन्होंने तुम्हें भेजा है मुझसे मिलाने के लिए, मैं ही तुम्हारा गुरु हूं और तुम्हें यही रह करके शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए। ये इस तरीके के गुरुदेव हमारे हुए। इनको घर रहते हुए स्वप्न हुआ, चैतन्य महाप्रभु का सुंदर दर्शन हुआ, घुंघराले बाल सुंदर गौर वर्ण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो रहा है और एकदम से पूरे घर में इतनी सुंदर सौगंध सुगंधित वायु चल पड़ी, एकदम उठ पड़े महाप्रभु। महाप्रभु को देख करके एकदम ऐसा सुंदर बड़े बड़े नेत्र को देख करके ये उठे थे और उस दिन ये चले थे नवदीप। तो ऐसे गुरुवर्ग हैं ये हमारे, जो साक्षात पहले ही भगवान के दर्शन करके घर से चले हैं और वहां पर गुरुदेव इनके मिले हैं। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने दीक्षा दी, शिक्षा दी और ऐसे गुरुदेव ये प्रकट हुए। इन्होंने पूरे विश्व में समस्त लोगों को भक्ति राज में प्रवेश कराया। इस्कॉन के जो पौंडाचार्य जी हैं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उन्होंने पूरे विश्व में बड़े बड़े मंदिर बनाए इस्कॉन के। उनके जाने के बाद कई जो सन्यासी थे उनका पतन हो गया था, क्योंकि विदेशी लोग कुछ जल्दी ही अपराध प्रवृत्ति में लग जाते हैं, वो जेल में भी चले गए। वहां हमारे गुरुदेव गए, जेल में जाकर के उनको छुड़ा करके लेकर आए, फिर से भक्ति में दोबारा डाला उनको। तो बहुत बड़ा इन्होंने ऐसा जो अभियान चला रखा था भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने, उसको और आगे बढ़ाया। तो ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। अभी बहुत सारे वक्ता भी हैं, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोदर्शक श्री श्रीमद् भक्ति विदान सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दरबार प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों सबसे पहले मेरे साथ बोले श्री गुरुदेव की, और एक बार बोल दीजिए राधे राधे।
हाथ ना के बोल दो राधे राधे। हरे कृष्ण। देखो अभी हमने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनी और ये तो गुरुदेव की महिमा को तो हम जान ही चुके, लेकिन एक समय की बात बताता हूं कि जब जब मैं शुरू शुरू में श्री गोड़िया मठ से जुड़ा था तब एक ही महीने में लगातार 3 बार मुझे श्री धाम वृंदावन जाने का अवसर मिला। तो उसमें जब मैं 3री बार गया तो हम यहाँ से 6-7 लोग गए थे। 6-7 लोगों में एक तो मेरे साथ प्रेम किशन दास जी गए थे और 3-4 इनके मित्रगण गए थे। तो हम जब गए तो हमें पहुंचते पहुंचते वहां कुछ देर हो गई। हम पहुंचे श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ। अब गुरुदेव ने सबसे पहले और कुछ नहीं हमारे प्रसाद की चिंता की, इतनी दूर से चल के आए हैं इनका प्रसाद होना चाहिए। लेकिन संयोग से रूप सनातन में प्रसाद समाप्त हो चुका है तो गुरुदेव तभी की तभी हम सबको लेके यमुना किनारे एक मठ था उस मठ में गए। वहां पूछा कि प्रसाद है तो कहने लगे अभी तो भोग लग रहा है। तो गुरुदेव हम सबको लेके वहां ऊपर मठ में गए। वहां जाकर कौन सा मठ थी? गोपीनाथ इमली तला। गोपीनाथ भवन। हाँ, तो वहां गए तो वहां भोग लग रहा था तभी। तो गुरुदेव हम सबको लेके ऊपर गए, प्रसाद को आया। प्रसाद को आने के बाद जो हमारे प्रेम किशन दास जी के मित्र थे उनमें एक मित्र का नाम था महेश कुमार। संयोग से प्रेम जी ने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव ये बीड़ी बहुत पीते हैं और आप कुछ ऐसा मंत्र फिराइए इनके ऊपर को कि ये बीड़ी पीना छोड़ दे। तो गुरुदेव ने क्या किया देखो, वो उनको जब तब तो कुछ नहीं बोले, जब चलते समय वो उन्हें परनामी स्वरूप कुछ देने लगे तो गुरुदेव ने अपना कोपिन आगे फैलाकर कहा कि मुझे जितने भी आपने जितनी दोष हैं वो सारे दोष मेरे इस कोपिन में डाल के जाओ। तो गुरुदेव तो ऐसा करते हैं कि जितने भी सबके दोष हैं वो सब हरण कर लेते हैं और ये हमारे लिए आज कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। अभी गुरुदेव ने बताया ना कि गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए गुरु आश्रम में जाना चाहिए, बताया था। लेकिन हमारा सौभाग्य देखो कि गुरुदेव स्वयं हमारे साथ गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए, ये हम पे गुरुदेव की कोई छोटी मोटी कृपा नहीं है, ये बहुत बड़ी कृपा है। गुरु आश्रम है लेकिन गुरुदेव खुद तो ये हमारे लिए बड़ी बड़ी एक्चुअली क्या है कि हम वहां तक जा पाते या नहीं जा पाते, लेकिन गुरुदेव ने सबके संभाव से कृपा करके यहाँ आए और सबको गुरु पूर्णिमा में आप सबको गुरु का सम्मान करने का अवसर प्रदान किया। तो इसलिए एक बार जोरदार ताली और देखो, कोई जाता है हरिद्वार जाता है, कोई ऋषिकेश जाता है, कोई 4 धाम की यात्रा करके आता है, लेकिन कहा जाता है कि जहां गुरुदेव हैं सारे के सारे धाम उनके श्री चरण कमलों में हैं। तो आज हम किसी और धाम में जाएं या ना जाएं, अगर आज हमने गुरुदेव के चरणों की सेवा कर ली तो आप समझ लीजिए आपने इस जगत के जितने भी तीर्थ धाम हैं उन सब में जाके गंगा सारा स्नान कर लिया। इतनी बड़ी महिमा है गुरुदेव के श्री चरण कमलों। तो इस और एक बात और है कि अभी गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव को आप जो प्रणामी देते हैं या माला पहनाते हैं या चरणों में फूल अर्पण करते हैं उससे ज्यादा कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब उससे ज्यादा वो खुश नहीं होते। खुश कब होते हैं जब तुम अपना कम से कम, देखो एक बात समझो कि हर व्यक्ति को पता है कि मेरे अंदर क्या दोष है, हो सकता है कि मुझे आकलन करने में कमी हो जाए लेकिन स्वयं को जरूर पता होता है कि मेरे अंदर कुछ दोष है। तो आज के दिन
आप वो दोष गुरुदेव के श्री चरण कमलों में छोड़ के जाना घर, तो आपका यहाँ गुरुदेव गुरु पूर्णिमा में आना सार्थक है। और अगर यहाँ आए और गुरुदेव की कथा सुन के और यहीं छोड़ के चले गए तो यहाँ आना बेकार है। इसलिए आपसे सबसे विनती है, निवेदन है कि जो अभी हमारे नवीन किशन दास जी ने बताया कि जो 6 रिपू हैं कौन कौन से हैं, काम क्रोध आपने सबने सुना है, एक बार तो बोलो, काम क्रोध मोह लोभ मत मात्सर्य। हाँ, अब याद तो हो गया, इनको छोड़ने का भी थोड़ा कष्ट करना ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोड़ने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत दुर्लभ चीज है, जब हरिनाम करेंगे, लेकिन जब अभ्यास ही नहीं करोगे छोड़ने का तो छूटेंगे कैसे, तो थोड़ा थोड़ा छोड़ने का प्रयत्न करो तो छूट जाएंगे ठीक है। और एक बात आपसे बतानी है कि 3 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उस जन्माष्टमी पे इस बार हम लोग थोड़ा भगवान की सेवा को और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। उसमें क्या है कि हमने कुछ विचार किया है कि यहाँ पर ठीक उसी तरह फूल बंगला लगे जैसे श्रीधाम वृंदावन में लगता है, बांके बिहारी जी के मंदिर में लगता है, ठीक ऐसा फूल बंगला हम यहाँ पे लगवाना चाहते हैं। और वो लगेगा कैसे, वो लगेगा सब आपके सहयोग से। यदि आप चाहेंगे, आप उसमें थोड़ी थोड़ी सेवा देंगे तो वो फूल बंगला बहुत अच्छे से लगेगा और हम भगवान की सेवा को खूब अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि एक बात गुरुदेव कथा के माध्यम से बोलते हैं कि जो दान है वो केवल हरि गुरु और वैष्णव को देना चाहिए, अन्यत्र अगर कहीं दोगे तो वो दान भी तुम्हें स्वर्ग की बजाय नरक के रास्ते ले जा सकता है। तो दान वहाँ देना चाहिए जहाँ वो हरि और गुरु वैष्णव की सेवा में लगे। तो आप सबसे विनती है कि जहाँ जहाँ से भी आप सब लोग आए हैं, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गली में एक हेड बन जाएं, और एक हेड बनने के बाद वहाँ लोगों को बताएं कि भाई श्री राधा गोविंद गौड़ीय मठ में इस बार फूल बंगला लगेगा, या और भी बहुत सारी सेवाएं होंगी, मुख्य मुख्य आकर्षण हमने कार्ड छपवाए हैं, वो कार्ड आप तक हम पहुंचाएंगे। तो मैं हम ये चाहते हैं कि आप अपने अपने गली में एक हेड बने और हेड बन के फिर 2-4-5-7 लोगों को अपने साथ लेके उस गली मोहल्ले में प्रचार करें। क्योंकि अभी गुरुदेव ने बताया ना कि जब वैकुंठ में ध्रुव महाराज जा रहे थे तो नारद जी बिना बजा बजा के बड़े नाच गा के प्रसन्न हो रहे थे। तो इसी तरह से यदि आप किसी को भगवान की सेवा से जोड़ोगे तो आप भी उसका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। तो प्रेम से कह दो दादी जी, बताया कि अभी बोलने वाले बहुत आ रहे हैं, मैं यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल सिंगल प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे ना, सब थोड़ा थोड़ा बोलो, सर्वप्रथम मेरे आराध्य गुरुदेव प्रातस्मरणीय जय ओम विष्णु पादाय भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज के नाम ज्ञापन करता हूँ। उसके उपरांत जय नित्य निरंतर परमेश्वर विष्णुपाद आशुतोष श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज के चरणों में दवन प्रणाम करते हैं। मेरे शिक्षक नवीन कृष्णदास के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण, वृंदावन धाम से आए सभी वैष्णवजन के चरणों में यथावंत प्रणाम, यहाँ पर आए सभी माता बहने भाई बंधु सभी को। देखो आज गुरु पूर्णिमा का 8 साल में दूसरा वर्ष है, पहले साल भी मनाया गया था और इस साल भी मनाया गया है। गुरुदेव को तो कल बताया, अभी रविंद्र मेला 27 तारीख को गुरु पूर्णिमा का अवसर होता है, वो गुरुदेव को और कहीं कहीं जगह नोएडा में, जनकपुरी में, दिल्ली में, कहीं ना कहीं जाकर करना होता है।
कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि अभी हमें पता ही नहीं चला कि आज गुरु जी का उत्सव होने का, जबकि ये बात तो जब गुरुदेव कथा करने आए थे तभी कथा के लास्ट वाले दिन बताया गया था कि 26 जुलाई को यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव होगा। किसी ने नहीं सुना हो तो उसके लिए या नहीं समझ में आया तो हम क्षमा प्रार्थी हैं उनसे। और दूसरी बात यह है कि गुरु जी की जो व्यास पूजा गुरु जी यहाँ पर आए हैं, देखो मैं तो सिर्फ बड़ोद वालों पे तो गुरु जी की कृपा अधिक से अधिक है, इतनी कृपा इतनी जल्दी, मगर जो है गुरु जी को 8 साल यहाँ पर आते हुए इतनी कृपा जो गुरु जी की हो रही है, ये सब जो हैं हमारे गुरु जी जो हैं भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जो है इनकी कृपा और आप लोगों का प्यार इनके प्रति। तो एक बार इनके और मैं तो अपने बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ वैसे तो मैं, पर मैं जब भी किसी भी मुसीबत में होता हूँ, जब भी कोई परेशानी होती है, मैं गुरुदेव को याद करता हूँ तो गुरुदेव मेरी वाणी को सुन करके, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं इनसे फोन पे बात करता हूँ या कुछ भी बात करता हूँ, जब भी मैं इनसे मतलब जो है मेरी वार्तालाप हो जाती है तो मेरा अपना काम सहजी हो जाता है, ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। तो जो है मैं चाहता हूँ कि आप भी सब इसी तरह हो जाएं कि जो है अपने मन की बात, अपने मन की बात जब भी आप किसी परेशानी में हो किसी दुख में हो गुरुदेव को बताएं तो गुरुदेव की बात जो है आपके एकदम गुरुदेव के कान में पहुंच जाएगी और गुरुदेव आपका उद्धार करते हैं। तो एक बार गुरुदेव के लिए और आप सब लोगों से प्रार्थना है कि जो है मंदिर में सुबह शाम दोनों टाइम आते रहिए, सुबह मंगल आरती में शाम को संध्या आरती में, यहाँ पर कथा कीर्तन जनार्दन प्रभु यहाँ पर हैं और अभी एक संत और पुण्य से आने वाले हैं परसों यहाँ पर वो आएंगे, यहाँ पर कथा चलती रहेगी निरंतर, आप सभी लोग आएंगे, आप सभी ने मंदिर बनवाया, आप सभी का सहयोग है यहाँ पर, यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अभी बलराम प्रभु ने बताया ना वो 3 तारीख आने वाली, 3 तारीख नहीं है 3 अगस्त 3 सितंबर 3 सितंबर को जन्माष्टमी का विशेष उत्सव फूल बंगले के द्वारा मनाया जाएगा। कुछ हमने उसमें कार्ड भी छपवाए हैं, कार्ड छपवाए हैं वो मोहल्ले वाइज सभी को दे देंगे, तो हम सबको तो वहाँ पर जाकर के एक तथ्य को देना मतलब जो है समय नहीं हो सकता कि हम ना दे पाएं किसी को, तो एक एक मोहल्ले वाइज जो पता है एक लीडर बना देंगे मोहल्ले में किसी को एक बना देंगे, वो अपने मोहल्ले में 10 कार्ड 15 कार्ड दे करके आएगा वहाँ पर। और यहाँ पर जो सेवा होगी उस दिन जो है नीचे भी जो है बहुत सारी झांकियाँ लगेंगी, यहाँ मंदिर में फूल बंगला लगेगा और जो है यहाँ से एक गेट से एंट्री होगी दूसरे गेट से बाहर जाने की सकती है, तो आप सब यहाँ इसमें सेवा भी कर सकते हैं, आकर के यहाँ सेवा भी कर सकते हैं यहाँ पे। और फूल बंगले में जो भी कोई सेवा करना चाहते हैं हमारे सिंगल प्रभु हैं, बलराम प्रभु हैं, राहुल प्रभु हैं, इनको आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, जो भी आपको भेंट देनी है भेंट दे सकते हैं, जो भी सेवा है तन से मन से पैसे से सेवा सभी की स्वीकार होगी यहाँ पे, ऐसा नहीं है ये मत सोचना कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं सेवा कैसे करूँ, वो आकर के मंदिर में सेवा कर सकता है, अगर वो एक फूल भी ले आएगा उसकी सेवा वो भी उतनी होगी, जो 100 फूल दे रहा है उसकी भी सेवा उतनी है, जो एक फूल दे रहा है उसकी सेवा। तो जो है आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जो है आज देखो गुरुदेव अभी पता चला था सब कभी लोगों को 3-4 दिन से गुरुदेव आएंगे, 3-4 दिन से ज़्यादा पता चला था ना मंदिर में आएंगे, तो कल संख्या थी कोई 30-40 लोग थे कन्या शाम को आरती में, उससे पहले दिन जो है 20-25 लोग थे, उससे पहले दिन 15 लोग थे, तो धीरे धीरे बढ़े, आज गुरुदेव आए तो आज संख्या हटी है, कल सुबह गुरुदेव चले जाएंगे कल शाम को कोई नहीं आएगा, तो ये बात नहीं अच्छी नहीं है कि जो है गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं, ये नहीं है कि गुरुदेव आए तो हम सबको यहाँ, अभी गुरुदेव बता रहे ना साल में एक बार आए, पर गुरु जी पूछे मुझे जानते हो आप, गुरु जी आप मुझे पहचानते नहीं, गुरु जी पहचानेंगे कैसे बताओ, जब यहाँ आओगे नहीं गुरु जी से पूछोगे नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो गुरु जी को शिकन दिखाने से या नाम बताने से पूछने से सेवा नहीं होगी, गुरु जी जहाँ पर भी हैं जहाँ पर भी रहते हैं उनको सबका पता है, पूरी बड़ोद का उनको पता है जहाँ जान के शिष्य हैं यहाँ पर क्या हो रहा है क्या चल रहा है, मंदिर में सेवा कौन कर रहा है, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, कौन चोरी कर रहा है, सब बात गुरुदेव को पता रहती है। तो जो है आप सब इन बातों का ध्यान रख के गुरुदेव के प्रति मतलब पूर्णतया समर्पित हो जाए, पूर्णतया समर्पित, ऐसे नहीं है घर में तो काम चलता रहेगा, हम नहीं रहेंगे जब भी चलेगा, तो ये है कि उसमें से कुछ समय निकाल लो। अभी आप आज गुरुदेव बावड़ी में गए थे, बावड़ी गाँव में, तो वहाँ पर कुछ शिष्य हैं इनके जो नोएडा में हैं, उनका वहाँ पे मेरा था, उनके यहाँ बच्चे का जन्म था, शाम को वहाँ पर गए, काफ़ी वहाँ पे शाम को 20-25 लेडीज थी, तो वहाँ पे गुरुजी ने कहा कि आप यहाँ पर कोई एक बार कथा का प्रोग्राम रखवाइए, कथा का प्रोग्राम रखवाइए, हम यहाँ आएंगे आपका मंदिर है यहाँ पे कथा करेंगे,
तो उन लोगों ने आश्वासन भी दिया है, वो यहाँ समय पर आ नहीं आ सकते, आए नहीं, शाम को भी उनके यहाँ मेहमान आए थे बहुत सारे, तो आश्वासन दिया है, तो हो सकता है आने वाले एक दो महीने में बावड़ी में भी कुछ ना कुछ गुरु जी का पुराण या हमारे जो है गुरु जी के शिष्य हैं और उनके पुराण हो जाए बावड़ी गाँव में। तो आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मंदिर में आते रहे और गुरु जी जो गुरुदेव बताते हैं उनके बताए मार्ग पर चले, वो अच्छा कर। हरे कृष्णा, देखो पौरोतवासी जैसे भक्त दुनिया में कहीं नहीं है और हमारे गुरुदेव जैसे गुरुदेव कहीं नहीं है। हरे मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ना मैं बोलता हूँ, क्योंकि हर मंदिर को चलाने के लिए आप वहाँ पर, अरे हर मंदिर को चलाने के लिए हमारे जो भक्त लोग होते हैं ना वो भिक्षा करके चलाते हैं, लेकिन सारा दुनिया में एक ही मठ है बड़ोदवास बड़ोद में एक ही मठ है, जो कि यहाँ के सारे भक्त लोग ये मंदिर का सारे खर्चा पानियों को तो यहाँ के भक्त लोग सबके सब चलाते हैं, पृथ्वी में कहीं नहीं है। इसलिए भी बात को मैं जाकर सब जगह में कहता हूँ कि बड़ोदवास जैसी जगह पर भी भक्त है ही नहीं, यहाँ पर एक जो मृदंग बजाते थे ना यहाँ पर कुछ नया के रुके थे और वहाँ तिरना हाँ वो जब वृंदावन में आए वो कह रहे थे पहले मैं सारा दुनिया में गया हूँ लेकिन बड़ो तो जैसे भक्तों को ऐसे मैंने कहीं नहीं देखा, बड़ो तो वासियों के हृदय में जितने भक्ति वो स्वयं कह रहे थे तो बहुत अच्छे भक्त लोग वहाँ पर बहुत अच्छे भक्त लोग हैं। इसलिए आप इतने जल्दी जो भक्ति में जुड़े हरिनाम करते हो आप लोगों का करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई सौभाग्य है, आपका पूर्व जन्म का कोई सौभाग्य है, पूर्वजों का कोई बहुत सौभाग्य है जो सबके सब तिलक कंठी माला लगा करके आते हो कथा सुनते हो, इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। अभी सिंगर बोलेंगे सिंगर और एक तो वार्ड श्री भक्ति में जान श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि जनवर प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उसके पश्चात वृंदावन से आए हमारे ब्रह्मचारी गण उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रभु नवीन प्रभु के चरणों में अपना कोटि कोटि धर्म प्रणाम करना चाहता हूँ। इनकी कृपा से ही मैं आज गुरु जी के चरणों तक पहुँचा, इनकी बड़ी कृपा मेरे पर रही, इन्होंने मुझे गुरु के जी के चरणों में डाला और गुरु जी के चरणों ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मुझे इतनी शांति मिली जो मैं भटकता था दिन रात, वो मेरा भटकना बंद हो गया, मुझे बहुत शांति और शांति की ही तरह संतुष्टि भी मिली। संतुष्टि आदमी को जीवन भर नहीं मिलती। जब से मैं गुरु जी के संपर्क में आया, गुरु जी के चरणों में आया, जब से मुझे बड़ी ही संतुष्टि है। जितना आदमी के भाग्य में होता है उतना ही आदमी के पास रहता है, चाहे कितना ही धन कमा लो, चाहे कितना ही धूप के है कपट से, चाहे कुछ भी आप कर लें, पर रहेगा उतना ही आप। मुझे जो चलाया गुरु जी ने, मुझे आज पता लगा जब से मैं इनके चरणों में आया हूँ सत्य क्या है। मैं सत्य के मन जो अपना जीवन सत्य के साथ जिएगा वो सदा सुखी रहेगा, उसे कभी भी कोई दुख नहीं हो सकता, कभी कोई उसका संकट नहीं आ सकता। इतना है जितना भगवान ने दे रखा, मैं हम सब कुछ रहना चाहिए। कभी धन की धन देना लेना अपने हाथ बात नहीं है, सब बात भगवान के हाथ में है।
और सदा हमें यहाँ नहीं रहना, कहा के लिए असत्य करना, सत्य असत्य क्यों करना, जब हमें रहना ही नहीं, हमारा घर ही नहीं है, हमें जाना है हमको किराए का मकान लेकर रहना, आपस में हमें इतना प्रेम मारना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए एक दूसरे का, मुझे आज सारा परिवार लग रहा है, इतना ही बस भक्त बैठे हैं, मुझे सब ऐसा लगता है कि मेरा परिवार है, तो लगता है सब देव गुरु जी की है, इस भक्ति से जितनी बार आप मुझे बताई, मैंने गुरु जी से बताया, शुरू शुरू में बड़ा शौक लगा मुझे, गुरु जी मैं तो चौसठ करती, वो आपकी चौसठ नहीं, आप जो है फिर आओ दोबारा सोलह करो कर, मुझे ज्ञान सब हुआ, मैंने सोलह कर सोलह, ऐसा मुझे बड़ा अनुभूति सी हुई, फिर मत जी करा सोलह से माला तो सोल करने दी, आपने गुरु जी ने सोलह बताया, हमारी चौसठ तो ठीक नहीं थी, ठीक कैसे नहीं थी, बात करना हूँ इधर उधर ध्यान है, इधर उधर मन है, कहीं मन में एक माला में उठता ही नहीं था, चौसठ दूसरी माला हो रही थी, ना गिनती हो रही थी, जब सोलह करने लगा जी से अच्छी करने लगा, आगे बढ़ने लगा, फिर बत्तीस का आ गया, अब डेली बत्तीस माला है, इतना प्रेम है हर आदमी से, तो अवगुण थे धीरे धीरे, ऐसा नहीं मैं कह रहा समाप्त हो गए, धीरे धीरे निकलते जा रहे, मुझे यूँ याद है, याद आता जा रहा है, यूँ होता जा रहा है मन में, तो सदा यहाँ नहीं रहता, जितना भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान आजकल अपने नाम से ही खुश रहते हैं, किसने सिखा सब गुरु जी ने सिखा, सबसे पहले संपर्क रमेश प्रभु से, फिर गुरु जी बड़ोद में आए, गुरु जी से संपर्क हुआ, गुरु जी मुझे धक्का मार कर निकलवाते थे 12 बजे, मुझे इतनी लो लग गई थी, पता नहीं एकदम क्या हुआ कि गुरु जी कहें 12 बजे के प्रभु आप अपने घर पर जाओ, मैंने घर घर गुरु जी को यहाँ घुमाया, घर घर परिचय कराया, प्रेम तो जहाँ भगवान की मर्जी है भक्ति तो वहाँ की है, भक्ति है नहीं अपने हाथ में, जब कृपा होती है मेरे पे भगवान की कृपा हुई, मैं नवीन गुरु के पास पहुँचा, नवीन गुरु ने मुझे यहाँ डाल दिया, आज गुरु जी की ऐसी महिमा है, मैं बड़ा संतुष्ट शांति से रहता हूँ, और जितने अवगुण हैं धीरे धीरे सब निकल रहे हैं, अपना जीवन साधारण जीता हूँ, और सभी इस समय बिल्कुल संतुष्ट, जो मेरे कार्य बाहर थे मैं पूर्ण कर चुका हूँ, अब केवल मुझे भक्ति का काम है, और इस भक्ति में बड़ा आनंद है, जो मन से करेगा निष्कपट करेगा, करके देखो निष्कपट, किसी के प्रति कोई भाव खराब मत रखो, मन खराब होता है अपना होता है दूसरे का, दूसरा क्या पता मेरे प्रति इसके भाव खराब, हमें पता है अपना मन खराब होता है, मन सब इंद्रियों का राजा है, मैं एक कथा आपको बहुत छोटी सी सुनाना चाहता हूँ, एक मालिक गाड़ी लाया, बड़ी अच्छी गाड़ी है, माइक थोड़ा पास है, एक गाड़ी लाया, गाड़ी ला के उसने ड्राइवर को छोड़, चलाने वाला तो ड्राइवर है, जो मालिक बोल रहा है चलाएगा ड्राइवर, वही एक चीज बाजार से लानी है गाड़ी बना दी, सब काम करती है, तो एक दिन गाड़ी में मालिक बैठ के चलती है तीस करने के लिए, वो तीस करने के लिए हिमाचल पे जा रहे थे कोई बात नहीं पहाड़ पे, तो वो लापरवाही करी तो गाड़ी खाई में गिर गई, तो गिर गई किसकी लापरवाही, किसकी लापरवाही थी, ड्राइवर की या मालिक की, ड्राइवर की ना, तो ये ड्राइवर जो है ये मन है, इस मन को संभाल लो, लापरवाही इस मन की है मालिक की नहीं है, मालिक तो कह रहा है मन कुछ मारो, जिससे निकाह करता है ये मन करता है, मेरे मन में जो जो निकाला है सब गुरु जी ने निकाला है, मेरे मन में भी बड़ी दुखता थी, मैं बड़ा बदजीव था, मैं बता नहीं सकता अपने बारे में, मैं रोड किंग था,
बन गए तो इस मन को संभाल लो, भक्ति भक्ति है, अपनी इंद्रियों पर जो कंट्रोल कर लेगा उसकी भक्ति है। इस भक्ति में बड़ा आनंद है, इस भक्ति जैसी भक्ति कहीं नहीं, मैंने भी बहुत दुनिया में फिरा, मुझे भी कोई भक्ति और मिली नहीं। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, बड़ी बड़ी हमारे आजकल मंदिर में कथा चल रही है, हमारे गुरु जनार्दन गुरु ऐसे आए हैं रोज डेली, चाहे दो आदमी हो चाहे चार आदमी कथा करते हैं, कथा सुनने में बड़ा आनंद। केवल कितनी, केवल 8 से 8:30 तक, ज्यादा नहीं, 8 घंटे की कथा में बड़ा आनंद आएगा। आप लोगों से निवेदन है रोज शाम के टाइम आवे, समय निकाल कर जरूर, मंदिर का टाइम हर टाइम। और आप, मैं वैसे नहीं कह रहा, अपना अनुभव बता रहा आपको, 16 माला करके देखो, 20 कप भाव से आपका मन बदल जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आपको, आपका मन बदल, आपकी वाणी बदल जाएगी, आपकी आदत बदल जाएगी, स्वयं आपको पता लग जाएगा मैं कितनी पूजा कर रहा हूँ। इस भक्ति में एक और काम है, स्वयं पता लग जाता है मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, उन बात का सब पता लग जाता है। तो गुरुदेव की तो ऐसी महिमा है, इतनी गाई जाओ उतनी कम है। हरि नाम संकीर्तन की हरे 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 राम राम हरि बोल हरे कृष्णा। देखो गुरुदेव जो है, अभी परसों गुरुदेव से बात हुई थी फोन पे, जो आने वाली कथा है नवंबर के बाद, मैंने कल भी अनाउंस करा था, 26 नवंबर दिन सोमवार से जो आगामी कथा है वो 7 दिन के लिए चलेगी, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार। रविवार वाले दिन ही जगन्नाथ जी की यात्रा निकलेगी, क्योंकि अगले दिन फिर सोमवार पड़ जाएगा, तो संडे का जो दिन है सभी पकड़ों छुट्टी रहते हैं, बाहर से जो गेस्ट आते हैं वो आ जाते हैं। तो गुरुदेव ने ये प्रोग्राम फाइनल करा था परसों, तो इसमें अगर कोई किसी को एतराज है तो वो बता सकता है, करना प्रोग्राम फाइनल है, तो एक बार जोड़कर ताली बजाएं। हरे कृष्ण, अशोक प्रथम शिक्षा गुरु नवीन कृष्ण दास के चरणों में अनंत कोटि जन्म प्रणाम करते आप सबके चरणों में इसके सहयोग जन्म प्रणाम। मैंने गुरुदेव के मुख से सुना है कि जब गुरुदेव परम गुरुदेव थे तो जो गुरुदेव के बारे में बात करते हैं शुरुआत करते थे कि मैं सत्यभूमि में आया नरसिंह भगवान के समय पर, लेकिन मुझे भगवान नरसिंह भगवान ने भी नहीं अपनाया। उसके बाद त्रेता में भगवान राम के समय पर गया, लेकिन भगवान राम ने भी पूरे अयोध्या वासियों को साकेत थाम ले गए, लेकिन भगवान राम ने मेरा उद्धार नहीं किया। उसके बाद द्वापर में भगवान कृष्ण आए, जगत जीव का कल्याण किया, तो तब भी मेरा उद्धार नहीं हो पाया। यहाँ तक कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के समय में आया होगा, चैतन्य महाप्रभु में एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के यहाँ तक कि जगाई मदाई को भी प्रेम प्रदान किया, उनका कल उद्धार किया, कल्याण किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भी मेरा कल्याण नहीं किया। मेरा कल्याण किसने करने की ठानी? मेरे गुरुदेव ने। ये कल्याण ही नहीं करूंगा बल्कि इस संसार के आने जाने के चक्र से ही उठा दूंगा, और गुरुदेव की वाणी को विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास कैसा? जैसे सबरी माता जी ने किया था अपने गुरु मदन ऋषि के वचनों पर कि राम आएंगे, तो राम आए, समय लगा, 10,000 वर्ष लगे राम जी को आने, लेकिन राम जी आए ढूंढते हुए सबरी माता कहाँ है। तो गुरुदेव के वाक्य पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, अगर 16 माला के लिए कहा है 16 माला करो, जरूर कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा। डॉक्टर अशोक सेठ पक्का बैठे हैं जी, कल गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर अपने क्लिनिक पे डाकखाना रोड पर बड़े डाकखाने के सामने शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ये निःशुल्क जो है, किसी को कान गला आँख कोई परेशानी है तो उनकी ये निःशुल्क 4 बजे से 8 बजे तक गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे सेवा करेंगे, इनके यहाँ क्लिनिक पे जाकर के दिखा सकता है।
अब कोई मर जाओ 5-10 मिनट विश्राम कर लेंगे, बैठ जाओ सब, सब प्रसाद लेकर जाना, चकाचक बढ़िया प्रसाद बनाया, रसगुल्ले अनन्य भगवत भजन जिनके प्राण है, जिनके भजन में अशोक कवर चरण कमलों के आश्रय से कोटि संताप हृदय आज जो दग्धिभूत हृदय आज भगवत भजन की ओर अग्रसर हो रहा है। वैष्णव मंडली प्रश्नाधि प्रश्न मेरे गुरुपाद भगवान श्रीमद भक्ति वेदांत सुदेव श्री गुरु महाराज जी के अशोक कवर चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अधिक कृपा प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत गौड़ीय परंपरा के चरणों में नमन करता हूँ पराशर नंदन व्यास और सभी वैष्णव वैष्णवी मातृमंडली और गुरुजन सभी को मेरा यात्रा के दंड प्रणाम। तो गुरुदेव ने सबसे प्रथम चार प्रकार के गुरु बताए, चार प्रकार के शिष्य बताए। सबसे उत्तम शिष्य है जो गुरु के मनोभीष्ट को जान करके उनकी सेवा के लिए अग्रसर हो, और सबसे जैसे गुरुदेव ने बहुत उदाहरण और सुंदर कौतुक कथाओं के माध्यम से उन्होंने बताया कि कुछ शिष्य भी ऐसे होते हैं जो कथा श्रवण से पहले बात को सुने उसके बाद तो उसको कार्य में बदले, परंतु कुछ ऐसे शिष्य हैं मेरे जैसा ही है कथा सुनने से पहले वो चले जाए और फिर उनके मन में शंकाग्रस्त होकर के फिर वापस लौट के आकर के फिर जिज्ञासा वृद्धि को स्थापन करते हैं। तो ये है रकेट टाइप का शिष्य, रकेट जाता है फिर वापस कभी नहीं आता। तो एक बार एक शिष्य गुरु जी ने शिष्य को आदेश दिया कि बेटा जा सेवा करके आ, फूल माला लेकर के आ गया। वो जा करके जब देखा कि शाम हो गया तब तक गुरु जी देखे कि शिष्य नहीं आ रहा। जब शाम को वो वापस आया तो गुरुदेव ने पूछे कि बेटा तुम थे कहाँ? बोले कि ऐसा है गुरु जी मैं गिर गया था और मुझे लग गई थी। बोले तू कहाँ गिर गया था दिखाओ कहाँ गिर गया था? बोले कि ऐसा है गुरु जी जब मैं यहाँ से जा रहा था और मैंने देखा वहाँ पे सामने खटिया है तो मैं वहाँ पे गिर गया था और मुझे नींद लग गई थी। तो इस प्रकार के शिष्य परंतु कहना नहीं, जो शिष्य वास्तविक सेवा करना चाहते हैं वास्तविक गुरु के हृदय में क्या इच्छा उसको जानना चाहते हैं तो उनकी संग की बहुत जरूरी है। और संग कैसे होगा? संग हमेशा उनकी आज्ञा के पालन से ही होगा। कल परसों मैं यहाँ से जा रहा था नेहरू पुल की ओर जा रहा था, यहाँ पे पुल के ऊपर आम की जो ठेले वाले जो फेरी वाले हैं ये लगा रखे थे। तो एक आदमी खरीद रहा था, उनको पूछा भैया और ये आम मुझे दे दो। एक था तोतापति एक था चौसा, तो वो चौसा के लिए कह रहा था, चौसा था 40 रुपये तोतापति था 25 रुपये। तो उन्हें बोले कि भाई ये आम ले लो ये बढ़िया है। अब वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो ये वाला चाहिए, मुझे चौसा चाहिए। वो कह रहा आप तोतापति नहीं देंगे बढ़िया, क्योंकि उसका वो चीज़ ख़राब हो रहा था इसलिए वो जबरदस्त उसको देने जा रहा। तो इस बात को वो जब बोल रहा है कि मुझे क्या चाहिए, यानी कि वो खुद जानता है कि उसको क्या चाहिए। इसी प्रकार से जो गुरुदेव हैं, आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम यहाँ पे आकर के समागत हुए हैं कि गुरुदेव के पास हम कुछ लेकर के जाएं ताकि गुरु जी हमारी उस वस्तु को ग्रहण करके हमारे ऊपर प्रसन्नचित्त हों। परंतु गुरुदेव सबसे पहले जानना पड़ेगा कि गुरुदेव की इच्छा क्या है, क्या लेके जाए। लाते तो दुनियादारी की सारी चीजें, परंतु जाता कुछ उतना ही जितना उस वस्तु के माध्यम से हमने हमारे शरणागति को दिया। वस्तु के माध्यम से हमने कुछ देना होता है, वो क्या है? अपना भाव, अपनी शरणागति। अगर हमारी उस वस्तु में कोई भावना नहीं है, अगर हम उस माला को भावना के रूप में नहीं गाता है, अगर उस माला को खरीदने के लिए हमारे जो पॉकेट से पैसा जा रहा है उसको कमाई के लिए अगर हमने गुरुदेव के बारे में बार बार सोचते हुए उस पैसा को कमा करके माला को बना करके आके गुरु जी को अर्पण किया तो वास्तविक में वही फल है। तो यहाँ पे गुरु जी चाहते क्या है कभी आपको पता है? गुरु जी कुछ नहीं चाहते, क्योंकि जो भी चीज आप उनको देने जा रहे हो वो सभी संसार की है। और गुरु जी कौन है? भगवान के हैं, और भगवान इस सारे संसार के मालिक हैं। तो हो करके जब गुरु जी के पास सब कुछ है, हनुमान जी के पास सब कुछ है, उल्टा वो देते हैं क्योंकि उनके पास राम जी हैं।
इसी प्रकार से गुरु जी महाप्रभु के हैं, तो महाप्रभु सारे संसार के मालिक है, तो हम कितने कुछ उनको क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। तो उनके पहले मन की इच्छा को जानना पड़ेगा, क्या उनकी इच्छित वस्तु, क्या वो उनका इच्छा है। तो यहाँ पे वो केवल ये चाहते कि खुद हरिनाम करो, भजन करो और दूसरों को भी भजन में लगाओ। दूसरों को भी भजन में लगाना आप ही गुरु जी का एकमात्र इच्छा है। आज तक जितना मुझे उपलब्धि हुआ है हमारे गुरु जी की जो आंतरिकता है, क्योंकि अब वो जिस काम के लिए आए हैं उस काम से ही उनकी आंतरिक इच्छा जानते हैं हम। अभी शांत प्रचार जितने सालों से ये हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, कभी एक दिन की भी अवसर नहीं मिलता था कि कहीं इस उम्र में बैठ करके भजन कर ले, परंतु ऐसे भागदौड़ भरी जिंदगी में आज गुरुदेव इतने सारे, देखो आप लोग खुद को देख करके ये अनुमान लगा सकते हो, एक जगह की केवल गिने चुने कुछ लोग यहाँ पे हो तब भी ये खाली पड़ रहा हो भर गया है। तो देखो कितने कितने जगह पे गुरु जी को बुलावा आता है, इसका मतलब गुरु जी को कितना चाहते हैं, यानी कि गुरु जी के हृदय की जो इच्छा है इसी फल से ही हम उसको पता लगा सकते हैं। तो क्या चाहते हैं कि प्रचार हो, तो आप लोग अगर मंदिर में नहीं आओगे, कथा नहीं सुनोगे, तो दूसरों को कैसे सुनाओगे। इसीलिए सर्वप्रथम प्राथमिकता यही है कि खुद भजन करे, अपना भजन आए तब नामे अधिकार, पहले खुद भजन कर, नामे अधिकार होगा तो जीव के ऊपर कृपा करेंगे। मान लीजिए आप कहीं बाहर जाकर प्रचार नहीं कर सकते, अपने घर में करो। अब जो बीबी है वो अपने पति को बोले कि आप भी करो, जो पति पत्नी है बच्चों को बोले कि हाँ हम भी करें, तो सारे मिलकर करें और सारे आए मंदिर में, तो भावनात्मक रूप में आज जो महाराज जी हमारे आलेख्य के रूप में विराजमान है, या फिर जब आज गुरु जी नहीं होते तो उनके चित्रपट के माध्यम से जो गुरु जी विद्यमान है, क्या वो गुरु जी नहीं जानते हैं, गुरु जी सब जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। यही तो बात है कि हम उनके ऊपर मरते वृद्धि कर लेते हैं तभी तो हमें फल नहीं मिलता। इसी बात को उद्धव जी को भगवान खुद बोल रहे हैं, आचार्य माम भी जान्यत न एवं अन्यत कहरी चेत न मर्त बुद्धयस्यते सर्वदेवमय गुरु। सारे देवता अंतर्यामी है और जो उन सारे देवताओं की जो अंतर्यामी वो गुरुदेव है, इसीलिए गुरुदेव को कभी नगण्य मत करना। तो इस प्रकार से गुरु मुख पद्म वाक्य चितत करी आके आर ना करी मनासा, अगर गुरु पुण्यमय के अवसर पर कुछ लेके आना है तो वो क्या है, गुरु की आज्ञा की यथारूप पालन करना, जैसे गुरुदेव ने सालों से सिखाए जा रहे उस रास्ते में ही हम चलना। ये आप देखो हमारे इस मोहल्ले की कुछ बाहरी कितने कितने संप्रदाय है, मुसलमान है, मुसलमान भाई है, जैनी भाई है, ये कितने कठोर तपस्या कर रहे हैं, क्या हम उनके तुलना में कोई तपस्या कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी तपस्या सारे हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, परंतु उनको कितना कष्ट करना पड़ता है। और इन लोगों को जब मैं देखता हूँ ना, मुझे महाभारत की एक श्लोक याद आता है, उस श्लोक में वो बोलते हैं तपंत तापे प्रपतंत प्रपट अदतंतु तीर्थानि पठंत चागमान यजे यागेर विवदंतु वादम हरि बिना नैव मृतं तरन्ति। कहते हैं कि कितना भी तप कर लो, जल आग लगा कर कितना भी अपने शरीर को तपा लो, कितना भी पर्वत को घूम लो, कितना भी तीर्थ को पठन, कितना भी तीर्थ भ्रमण कर लो, कितना भी यज्ञ तप हवन कर लो, परंतु वादम हरि बिना, हरि के भजन के बिना कभी भी आप भगवान के मृत्यु को तर नहीं सकते। यहाँ पे हम खुद देख रहे हैं कैसे कैसे कठोर साधन कर रहे हैं, परंतु उनके उस साधन के अंदर हरि ही नहीं है, बस यही तो कमी। अगर हरि हो जाते हैं तो उस साधन में चार चांद लग जाती। तो इसी प्रकार से जैसे परशुराम ने गुरु वाक्य को पालन किया, जब वो वहां से उनके जो जमदग्नि थे परशुराम की पिताजी, उनके पत्नी को बोले कि तुम जाओ नदी से पानी लेकर के आओ, हवन होएगा। जब उन्होंने वहां से आ रहे थे इतने में गंधर्व की नृत्य देख करके मोहित होके वहीं पर समय निकल गया। जब वे आए सारे भाइयों को बोले कि अपने माँ के सिर काट दो, किसी ने भी नहीं मान पाए, क्योंकि माँ तो माँ ही है और ये पिता पिता की आज्ञा, आगे चलकर अगर सामंजस्य हो जाए हम हमारे माँ को क्यों मारे। तो इस समय परशुराम आए और उनके हाथ में जैसे हमेशा से फरसा सभायमान होता था, उनको तुरंत उन्होंने आज्ञा दी कि देख ये तुम्हारी जो भाई है ना, मैं उनका गुरु हूँ, इन्होंने गुरु की अवज्ञा की है और तुम्हारे माँ ने भी किया, इसलिए तुम्हारे सारे भाई और माँ की प्राण ले लो। तुरंत उन्होंने तलवार उठाया और एक एक करके सभी के धड़ से सर को अलग कर दिया।
बाद में जब उन्होंने बोले कि आपको क्या चाहिए, मैं आपकी गुरु निष्ठा से प्रसन्न हूँ, तो परशुराम ने बोले कि प्रभु अगर आप चाहते हो तो केवल हमें क्या दो, मेरे माँ और मेरे भाइयों को जिंदा कर दो, क्योंकि आप इस चीज को करने में समर्थ हो और मुझे जैसे इनको बताना लगे कि इनके प्राण मैंने लिया था। तो इस प्रकार से जैसे उन्होंने गुरु की आज्ञा पालन किया, तुरंत उसके अनुरूप फल में उनको अपने भाई और माता के रूप में पुनर्जीवित उन्होंने हुए। इस प्रकार से विंध्याचल पर्वत, जिस प्रकार से विंध्याचल पर्वत आज तक उन्होंने गुरु आज्ञा को पालन कर रहे हैं, जिस समय वो बढ़ रहे थे सारे देवा देवी अप्रसन्न है कि क्या किया जाए, तो इतने में उनके गुरु के पास आए और बोले कि गुरु जी आप अपने शिष्यों को जाकर के बोलो कि कम से कम वो उसकी जो गति है उसको रोक दे। तो उन्होंने आए, जब गुरु जी आए तो विंध्याचल पर्वत उनको प्रणाम मुद्रा में दंडवत किया, तो वहीं पर गुरु जी ने बोले कि शिष्य बस अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसे दंडवत मुद्रा में पड़े रहो जब तक मैं ना आ जाऊं, आज तक ना गुरु आए और ना विंध्याचल पर्वत उठे। तो इस प्रकार से किस प्रकार से उन्होंने गुरु की आज्ञा को पालन किया, गुरु की आज्ञा को पालन किया लक्ष्मण जी ने, राम जी ने 14 साल वनवास में हाथ में अमृत लेकर के, हाथ में उनकी जूठे फल को लेकर के जब बोले कि लक्ष्मण पकड़ो, बस पकड़े ही रह गए। 14 साल तक कभी बोले नहीं कि लक्ष्मण इसको खाओ, कभी खाए भी नहीं, कभी पानी भी नहीं पिया, कभी सोए भी नहीं, क्योंकि राम जी के आदेश में। इसी प्रकार से अगर हम गुरु जी के वाक्य को पालन करेंगे, हमारे वृंदावन मठ में एक वरेण्य जो महापुरुष है, सब संत लोग हैं, तो कभी मैंने गुरु जी की कृपा से उनकी संग प्राप्त किया, हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं श्रीपाद साधु महाराज जी, तो वे बोलते थे कि हमारे गुरु जी उनके जो गुरु जी मतलब हमारे गुरु जी के जो गुरु जी परम गुरुदेव भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जिस समय नदी मठ में रहते थे, अपने बच्चों को अपने शिष्यों को ऐसे शासन करते थे, ऐसे आज्ञा देते थे। एक बार एक प्रभु जी थे, उनका नाम था शिवानंद, तो भंडारा लगा हुआ था, पंगत लगी हुई है, पंगत लगे हुए हैं, संत अभी तक आए नहीं, बैठे नहीं, अभी इतने में संत आकर के बैठने लगे, तो गुरुजी ने बोले कि शिवानंद जाकर के वहां पे पत्थर दे। बोले गुरुदेव पत्थर तो दिया, बोले चुप, एक भी बात मत करना, एक भी बात मत करना, वो पत्थर के ऊपर पत्थर दे। तो किस प्रकार से उनके आदेश को पालन करते थे। महाराज जी बोलते थे यहीं थूक के जाओ, बाजार जाओ, बाजार से आते आते जब ये थूक जब तक ना, मतलब तब तक ये सूखने नहीं चाहिए, मतलब जब तक ये जो धूप तुमने करके गया, अब इसको सूखने से पहले ही तुमको बाजार से सब कुछ करके आना पड़ेगा। इतने निष्ठा से उनके आगे